रोड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था मैं, मेरे दिल को लग गया। सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती। नाम क्या बताया था तुमने उसका? जुलैखा। जुलैखा तुम्हारी किस्मत में नहीं है। खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। मोहब्बत करता हूँ मुझसे नूर मोहम्मद साहब। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। इजाबा कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? लड़की खुदा कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं? कुमार को अब इसकी डोली ना उठी तो इस घर से इसका जनाजा जरूर उठेगा। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। यूसुफ, भाई एक मिनट। कौन है तुम भाई? क्या कौन हो? चलो खैर दफा करो, जो भी हो। अंदर कैसे घुसा है? गलती से आ गया सर, मुझे नहीं पता था इस डब्बे में बारात जा रही है। बारात ही है ना? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, बारात ही है। चलो उतरो। चलो कैसे उतरूं सर, गाड़ी सरपट भाग रही है। चालीस मिनट में अगला स्टेशन आएगा, शराफत से वहाँ उतर जाना। जाहिर है सर, वहाँ तो उतर ही जाऊँगा। ठीक है बैठ जाओ। कहाँ बैठूँ सर, कुछ जगह होगी तो बैठूँगा ना। जगह नहीं है, ज़मीन पे बैग रखो और ऊपर बैठो। बैग में मिठाई है, बैठूँगा ना तो मिठाई हलवा बन जाएगी। ठीक है मैं खड़े ही ठीक हूँ। चलो ठीक है खड़े रहो। 40 मिनट बेटा अगला स्टेशन हाँ, और जितनी देर खड़े हो शराफत से खड़े होना है बेटा, तांक झांक नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हूँ मैं। सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर से सभी खबीस होते हैं। बहरहाल 40 मिनट खड़े रहो। जुलैखा ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं मुझे नहीं पीना। अब्बा फिर आप सो जाएं ऊपर जाके। हाँ अभी लेटता हूँ थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी हैं 20-25 मिनट, बैठ जाओ तुम। मियाँ रास्ते से तो हटो, हमें गुसल खाने में जाना है। जी माफ कीजिएगा, किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं लग रहा आपका। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं। आपकी तमीज से तो पता नहीं चल रहा, आपको इतनी अक़ल होनी चाहिए कि यूँ गैर ख़वातीन के सर पे आके खड़े नहीं हो जाया करते। पलट के मुंह उस तरफ कीजिए और आपका स्टेशन आए तो उतर जाइएगा। बेहतर। बदतमीज़।
मैं भी अब लेट में जा रही हूँ। रास्ता दीजिए। रास्ता दुनिया नाम क्या बताया था तुमने उसका? जुलेखा। अरे नाम तो सूट करता है यार तुम्हें। फिर क्या, 40 मिनट जैसे 4 मिनटों में गुजर गए। मुझे लगा कि अगला स्टेशन आने वाला है तो मैं झूठ मूठ सो गया। उठ जाइए मियां, उठ जाओ, अगला स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आए तो फौरन उतर जाना। आगे भी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। मुझे एक दूसरे कंपार्टमेंट में जगह मिल गई और मैं आराम से जाकर रह जाती हूं। बस तो मैं और कर भी क्या सकता था। मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कब और कहां उतर गई है? नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो कराची उतरी थी, स्टेशन पर से कोई लेने आया हुआ था। गले मिलने से लग रहा था कि उसका भाई है। अच्छा, ट्रेन से गाड़ी में बैठने तक कहीं मुड़ के देखा उसने तुम्हें? हाँ, एक बार जब वो स्टेशन से निकल रही थी और दूसरी बार तब जब वो गाड़ी में बैठ रही थी। अरे वाह, तुम्हें पता है वो कैसे देख रही थी? कैसे देख रही थी? जैसे आपके पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ जाए ना और आप डर के मारे मुड़ मुड़ के देख रहे। ओ, मतलब सिरे से कोई बातचीत हुई ना हलो हाय? बात तो हुई थी, बस ऐसे ही मैंने उससे बात की, उसने टका सा जवाब दे दिया। अरे तो वो बताओ ना यार, उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तुम बताओ तो सही। ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पे रुकी तो मैं ऐसे ही बाहर निकला, वो स्टॉल से कुछ खरीद रही थी, उसके साथ उसकी बहन थी। आपका नाम सुलेखा? नहीं। मतलब जिसको तुम जुलेखा समझ रहे थे वो जुलेखा नहीं थी? अरे नहीं यार, वही थी जुलेखा। ट्रेन में जब उसकी बहन ने उसे जुलेखा कह के बात की थी तो उसने जवाब दिया था। हाँ यार, इस हिसाब से तो उसका नाम जुलेखा होना चाहिए, लेकिन जब तुमने बात की थी तो वो मानी क्यों नहीं? क्यों मानेगी वो, और मुझे क्यों बताएगी अपना नाम? मैं क्या लगता हूँ उसका? हाँ ये भी सही कह रहे। सुनो, उस लड़के से झूठ क्यों बोला तुमने? किस लड़के से? वही जो रोडी स्टेशन पर बोगी में घुसाया था। तो क्या सच बोल देती? बता देती कि हाँ मेरा ही नाम जुलेखा है? अब्बा से पूछो झूठ बोलने का कितना गुनाह होता है। अब्बा से पूछो कि राह चलते को नाम बताने की सजा कितनी है।
खैर खैर क्या, इस तरह के कमीने रोज सड़कों पे मिलते हैं, नाम भी पूछते हैं, घर का पता भी। बता दिया करो। मैंने ये कब कहा कि बता दिया करो, वो तो बस तुमने झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कह देती कि नाम कुछ भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। लेकिन खैर तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। भाई उठो, चलो उठो। उठते हैं, मुझे पानी डालूं। ओ ओ क्या कर रही हो, स्कूल का टाइम हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। क्या हुआ? इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी वाले को जानता हूँ। अच्छा अब जल्दी चलो, ये लड़कियों का कॉलेज है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? जुलेखा। जी अम्मी। इधर आओ जरा। आई जी। यहाँ नहीं, अंदर चलो, मुझे बात करनी है। दरवाजा बंद करो। बैठो। इमरान से तुम्हें है कोई दिलचस्पी? इमरान भाई? तो मैं क्या इमरान खान की बात कर रही हूँ? वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात क्या अम्मी? इस प्यार की वजाहत करो जरा, और ये भी बताओ कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। सिलसिला मतलब? मतलब ये कि प्यार सिर्फ वही कर रहा है या तुम भी कर रही हो? आप प्यार के जवाब में कोई नफरत कैसे कर सकते हैं अम्मी? तो ये बात है। खैर वो तो तुम्हारे अब्बा की पेशकदमी देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम साथ मिली हुई हो। सदके जाऊं मैं तुम्हारे, तुम तो अपने अब्बा से भी आगे निकल गई। जिनके हां मैंने 20 सालों में हाजिरी नहीं दी, वहां तुम दिल दे आई हो। आज हंसोई तो देखना, कल धाड़े मारकर रोया करोगी। और मैं नहीं आऊंगी पूछे वहां कि कल किस बात का गम था, आज क्यों रो रही हो। दिल किसको दिया मैंने? मतलब इस तरह का इल्जाम क्यों दे रही है मुझे? इमरान भाई से प्यार करती हूँ, मतलब अपने भाई से प्यार करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर वो क्यों ले रहा है इतनी दिलचस्पी? और तुम्हारे अब्बा ने दिलचस्पी का सुनते ही सारी बातचीत भी मुकम्मल कर ली? क्या मतलब? उस कमीने से तुम्हारी शादी तय कराए हैं वो। लेकिन तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारे पास से टकरा जाऊंगी। अच्छा लगता है ना ट्रेन से चांद को देखना? हाँ इमरान भाई, लगता है ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है चांद। निगाहें इस पे जम जाए तो भाग कहाँ सकता है? हाँ अम्मी कहती हैं जब लड़कियां ऐसा छुप छुप के चांद को देख रही होती है ना, तो असल में वो अपने चांद को ढूंढती है। देखा पकड़ी गई ना। अरे जाने दीजिए ना इमरान भाई, वो शर्मीना कीजिए।
मैं और तुम बात करें तो बेशर्मी नहीं होती। आपसे किसने कहा ये? अरे मैं कह रहा हूँ ना, और देखना कल परसों तक मेरी कही बात सच हो जाएगी। आ रही हूँ। बताओ जो तुम्हारे अब्बा तुमसे पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्या पूछेंगे? अरे नहीं, पूछेंगे नहीं, बताएंगे, कहेंगे कि इमरान रकीब से बातें कर दी है तुम्हारी। फिर क्या कहोगे बताओ ना? चुप रहोगी तो वह समझेगी कि तुम हाँ कह रही हो। अम्मी मैं बिल्कुल भाई समझती हूँ उनको। शाबाश, बस यही जवाब है। बल्कि हो सके तो ये भी कह देना कि वो पसंद नहीं है मुझे। ये नहीं कहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बस भाई समझने वाली बात कह देना। ये भी नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी बस। तुम चुप नहीं रहोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस इनकार कर देना, बाकी मैं संभालूंगी। ये नहीं हो सकता, अब्बा के सामने इनकार करूंगी तो गुस्से से देखकर मार डालेंगे मुझे। आपसे कह दिया है ना, अब आप ही बता दें उनको, साफ कह दें कि इनकार कर दिया। चाहे तो ये भी कह दें कि अगर इमरान मुगीत से शादी हुई तो बारात से पहले जहर खा लूंगी। लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे ही पर डरा दीजिए उनको। तुम्हारी खाला को बुला लिया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी, अपने घर के मामले में खाला को क्यों डाल रही है? अरे नहीं ये बात नहीं है, वो अली हमजा भी आ रहा है उसके साथ। जाहिर है वो तो आएगा, आया करता है हमेशा। इस बार वो अपनी माँ को कंपनी देने नहीं आ रहा, खासतौर पर मिलने आ रहा है तुम्हारे अब्बा को। अच्छा वो क्यों मिल रहा खासतौर पर? बता दूंगी कल, बस तुम उसे अली भाई कहकर ना बुलाना। क्यों ना बुलाऊं? वो अचानक से मेरा भाई क्यों नहीं रहा? पागल हो गई हो? इस तरह सबको भाई भाई पुकारती रहोगी तो शादी किसे करोगी? अल्लाह तो आपने ये सोच ली है। वो ही जचेगा तुम्हारे साथ, एकदम बांका सजीला, और फिर वो तुम्हें जी जान से पसंद करता है। अम्मी मैंने उनके बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। दो ही ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने, एक इमरान मुगीस या फिर अली हमजा। और इमरान मुगीस को तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारे अब्बा के हाथों मेरा कत्ल होगा ना तो तुम्हारी उससे शादी होगी। मैं जहर खा लूंगी। मुझे पता तुम जहर नहीं खाओगी, बस डरा रही हो मुझे। आसमान से गिरकर बचूंगी तो खजूर में अटकाएंगी मुझे। खजूर से बचूंगी
तो आसमान से सीधी जमीन पर पटख दी जाओगी। आफियत इसी में है जुलेखा, खजूर में डल जाओ, वरना तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा की लड़ाई होने वाली है, जो जीतेगा उसे माले गनीमत में मैं मिलूंगी। सीधी बात करो, एक अनार दो बीमार, फिर वही बकवास। अब्बा इमरान मुगीस से शादी कर रहे हैं मेरी, और अम्मी अली हमजा से। अरे वाह, इसीलिए सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ, वरना ये लोग तो मेरी शादी कर देंगे। तुम नहीं करना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इन दोनों से तो कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? ठेंगा, मैं तो कहती हूँ इस बात पे शुक्र कर लो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, वरना यहाँ तो दूल्हे का नाम बताते हैं बस। तो फिर मैं टकरा जाऊंगी, देखना। क्या टकरा जाओगी? किससे? अब्बा से? मैं दीवार से टकरा जाऊंगी, सर बोल दूंगी अपना। ढाकिया है बाहर, आपके नाम की रजिस्ट्री आई है। मेरे नाम? जी। जी लेखा नाम है ना आपको? जी। अरे तुम तो वही ट्रेन वाले हो, क्यों आए हो यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ। हाँ तो क्यों गए थे वहाँ? बस ये पूछने गया था कि उसका नाम जुलेखा ही है ना। अबे साले वो तो तुझे पता है ना, असली बात बता। यही है असली बात। वहाँ स्टेशन पे तो मुकर गई थी यहाँ, लेकिन फौरन मान गई कि उसका नाम जुलेखा ही है। अच्छा आगे बोल, जब उसने कहा कि यहाँ क्यों आए तो तूने क्या कहा? मैं उनका सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। फिर तो चौंक गई होगी वो। हाँ शायद, आगे फाड़ फाड़ के देखने लगी मुझे। आगे बोल। आगे क्या? बस कहानी ख़त्म। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़ा। हैं? आई लव यू नहीं कहा? आई लव यू? आई लव यू क्यों कहता भाई, मुझे कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसकी गाड़ी को देखा, उसकी बहन को देखा, तो मेरे दिल में आया कि यार उसको बता दूं कि मेरा नाम यूसुफ है। क्यों भैया, लवशव नहीं था तो नाम बताने की क्या ज़रूरत थी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही उसको कहा है दिल को तसल्ली सी हो गई। झूठ बोल रहे हो? इससे पहले कभी झूठ बोला है मैंने? तो अब नहीं जाओगे वहाँ? कभी भी नहीं। फ़ोन रखो। क्या हुआ? फ़ोन रख यार, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, फुसड्डी कहानी सुना के मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है तू। रख दे फ़ोन। वजी अहमद, वजी अहमद उठो, उठो वजी अहमद, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो कमबख्त किसी लड़की के पीछे पड़ गया है, उसे आई लव यू बोल रहा है। है? अरे आंखें झपको वजी अहमद, मुझे तो डर लग रहा है। सुना है मैंने क्या कहा? हाँ हाँ भाई सुन रहा हूँ, ये बताओ कि उस लड़की ने जवाबन क्या कहा? जवाब? अरे आपको उस लड़की का जवाब चाहिए? हाँ भाई, जवाब पता चलेगा तो आगे बात बढ़ेगी ना। वैसे तुम भी खुशी की खबर ऐसे सुनाती हो जैसे कोई बम फट गया हो। अच्छा वो देखने में कैसी है लड़की, बताया उसने कुछ? नहीं पूछा होगा ना तुमने। बस यही फर्क है मदर और स्टेप मदर में, इसीलिए रियल मदर से स्टेप मदर एक स्टेप पीछे रहती है। आई लव यू। ओके। खाला ट्रेन में बैठ चुकी, इशा की नमाज में दुआ की थी कि ट्रेन का इंजन फेल हो जाए, नहीं हुआ तो फजर से पहले पंजाब क्रॉस कर लेंगे। और सुनो, अम्मी के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि पूरी बात अली हमजा के कान में फूंक दी गई। क्या पूरी बात? यही कि अम्मी का वोट अली हमजा को मिलेगा। तो क्या तुम इंशाल्लाह अली हमजा को मिलोगी? चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं मतलब सरेंडर कर रही हो? नहीं, सोच रही हूँ कि दोनों में से अच्छा कौन रहे।
अली हमजा या इमरान मुगीस? क्या ये हाल है तुम्हारा? वो जो बोल रही थी अब्बा से टकरा जाओगी? बस मैं क्या करूं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो कहा करती थी कि अब्बा की नाक के नीचे लव मैरिज करोगी, वो क्या हुआ? करूंगी तो लव मैरिज, बस ये तय कर लूं कि लव अली हमजा से करूंगी या इमरान मुगीस से। तुमने क्या कहा था कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, है ना? हाँ, तीन बार कहा। तीन दफा के तकद्दस को जानते नहीं हो तुम भाई। इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? उसको ढूंढा क्यों, उसके घर क्यों गए, और उसको ये क्यों बताया कि तुम्हारा नाम यूसुफ है? यार मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। मैं जान के चिढ़ गया था कि उसका नाम जुलेखा क्यों है। हैं? तो फिर तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है? दाजी भाई। हाँ। चाय? कसम खाओ कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगे। लगी ना? लगेगी बेटा, तुमसे कसम नहीं खाई जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, और जब तुम्हें पता चला कि जुलेखा नाम है उसका, तो तुमने समझ लिया कि वो तो उतरी ही तुम्हारे लिए है। वैसे क्या बताया था, क्या करते हैं उसके अब्बा? ये तो नहीं मालूम है क्या करते हैं। ये बताया था कि दाढ़ी है उनकी। यार ये कब बताया तुमने? बताया था ना, और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मजहबी किस्म के लोग हैं, पूरी निगाह रखते हो, कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए पकड़े गए तो मार दी जाओगे। कमऑन यार, मैंने कह दिया ना अब नहीं जाऊंगा वहां, और मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। इस बात पे डटे रहना और हिम्मत करके कसम भी खा लेना, क्योंकि तुम्हारा जाना उससे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त। दाजी भैया। हाँ। सूजी का हलवा। हलवा? हलवा अपने लिए बनाया था, सोचा आप दोनों को भी दे दूं। आ जा। आपको पता है नूर भाईजान, इस बार मैं इतनी जल्दी क्यों आई हूं? खाना खाते हुए बातचीत नहीं किया करते। यूं करो ना, तुम्हें जब बात करनी हो तो मुंह में वाला मत डालना। अब बताओ क्यों आई हो इतनी जल्दी? कुछ मांगने। तो मांगो। देख लीजिएगा भाई साहब, फिर कोई इनकार नहीं सुनूंगी। ये मांगने का कोई तरीका भी है? फट से कह दो भाईजान दे दीजिए। देख लीजिए, फिर बहाना नहीं सुनूंगी। अरे कोई तुम्हारे साथ बहाना नहीं करेगा, बस जो चाहिए मांगो और ले जाओ। देखा, दिल से दिल को राह होती है। चली गई ना शर्माकर। शर्माकर? क्या कह रही हो तुम? देखिए, जुलेखा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, तो अब उसको भेज दीजिए उसके घर। और इसको भी बहुत शौक है कराची में रहने का, कह रहा था शादी के बाद यहीं सेटल हो जाएगा। बहुत सी ऑफर्स भी आई हैं इसको। भाई मैंने तो ऑफर सुनते ही कहा ऑफर कबूल करो और यहां से निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं भी यहीं कोई घर ले लूंगी और अपना वो लाहौर का घर में किराए पे उठा दूंगी। मुनासिब ख्याल। तो फिर बात पक्की समझो। कौन सी बात? लो, आप अब तक समझे ही नहीं। चलो तुमने खाना खा लिया हो तो जाओ यहां से। अब तो समझ गए ना भाई? मैं तो ये समझा हूं कि तुम जुलेखा के ब्याह की बात कर रही थी और बीच में तुमने
अली हमजा के कराची सेटल होने और उसकी नौकरी की बात शुरू कर दी, तो दोनों ही मुनासिब ख्याल हैं। खैर, कब कर रही हो अली हमजा की शादी? आप जब हुक्म करें। ऐसा है कि दोनों खालाजाद हैं और एक दूसरे से लगाव भी है, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की शादियों पे होना तो चाहिए। तो यूं करते हैं कि 2 महीने के वक्फे से दोनों की शादियां रख लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि 2 महीने के बाद जुलैखा की शादी है, उसके ठीक 2 महीने के बाद अली हमजा की शादी रख लो। अगर तुम्हें 2 महीने बाद कोई एतराज है तो अपनी बहन से मशवरा कर लो, जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरे शुक्र मेरे मालिक, तूने रिस्क हलाल अता फरमाया। अब खाना तो खा लो। इमरान मुगीस, वो भी आ गया? वो नहीं आया, लेकिन लगता है अब वही आएगा। तो अब्बा ने खाला को इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, खाला के मुंह पे हथौड़ा मार दिया। हाँ, अब्बा ने खाला के मुंह पर हथौड़ा मार दिया? रुक। हथौड़ा मार दिया मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया, साफ कह दिया कि सुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किससे? इमरान मुगीस से। और किससे? हंस क्यों रही है? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब्बा तुम्हें चिड़िया बना के उसके पिंजरे में डाल देंगे। डराओ तो मत। अरे रुको रुको, तो क्या तुम अली हमजा से शादी करना चाहती हो? तुम बताओ, अली हमजा से कर लूं? इमरान मुगीस से करूंगी तो पुप्पो फ्री में मिलेंगे जो मुझे नहीं चाहिए। अब तुम फिसल रही हो जुलैखा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दुआ करो मुझे अली हमजा से मोहब्बत हो जाए। बाको तुमसे नफरत हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। मेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं कुएं में गिर जाऊंगी हाजरा, लेकिन खाई में नहीं गिरूंगी। रोना बंद करो, आंसू पोंछो और देखो अब वो तुम्हें डांट दे, खुले बंदो इनकार कर दे, या भड़क कर कह दें कि चली जाओ यहां से। तुम हिम्मत नहीं हारोगी, अपने मुताबिक पर डटी रहोगी। डटी रहूंगी। तुम्हारी मां बता रही है कि तुम्हें इमरान मुगीस पसंद नहीं? जी। जी का मतलब? वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जी। जी का मतलब? जी हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उसका, नाम बताओ। यूसुफ। मदिया? हाँ। ओ मदिया, कोई बुखार की दवाई वगैरह है? टैबलेट। बुखार हो रहा है? दिखा। बुखार मुझे नहीं हो रहा है, वो यूसुफ को हो रहा है। कमीना तप रहा है बुखार से, देखो जरा। अच्छा मैं कमरे में चेक करके आती हूँ। हाँ मिली? नहीं नहीं
अच्छा चलो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी इसको चाय मत देना। मैं काय बुखार की गोलियां दे दो मुझे। क्या बात है साले, बड़ी खिदमत कर रहे हैं मेरी। आंखें खोलो, मैं मदिया हूँ। ताजी बुखार की दवाई लेने गया है। बुखार ज्यादा है तो मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देती। उठो मत। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। याद है स्कूल में जब मुझे दो तीन दफा चोट लगी थी तो पट्टी तुमने ही करवाई थी, समझो उसी का एहसान उतार रही हूँ। कुछ खाया है? खाया तो नहीं है लेकिन। कहा ना लेकिन कहने की जरूरत नहीं। भूख लगी है? नहीं। अच्छा बुखार कब से है? रात से है शायद। बारिश की फुहार पड़ी होगी। हाँ खिड़की खुली रह गई थी ना। मदिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। क्या? यही कि दाजी दवाई लेने गया और तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सब मतलब? मतलब ये ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रही। कहा ना पुराने वक्त का कर्जा उतार रही हूँ। तुम्हारे नए गाने की ट्यून सुनी है मैंने, मेलोडी है उसमें, है ना? हाँ। पहले तो मेलोडी नहीं हुआ करती थी और अब लगा कि मेलोडी के बगैर गाना ही नहीं होता। जैसे मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं होती, मोहब्बत भी तो जिंदगी में मेलोडी की तरह होती है कि नहीं? हाँ। हुई किसी से? सच बोलना। मदिया तो मेरे दोस्त की बहन और। दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? ताजी आ गया। तो उसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। देखा है ना जब घर आते हो तो इस कमरे का दरवाजा बंद रखता है वो। मर्डर का नाम सुनते सिटी गुम हो गई थी उसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली हमजा में चाहे दम ना हो मोहब्बत में होता है दम। सुना है अगर चूहा मोहब्बत करने लगे तो शेर की तरह बिहेव करने लगता है। अली हमजा की मोहब्बत को नहीं मानती। क्यों भाई, क्या खराबी है उसमें? वो तो बस शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मेरे लिए थोड़ी कोशिश करेगा। बात ना बनी तो कोई और ढूंढ लेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है, जिसको टारगेट करेगी उसको सिग्नल देगी, रेड अलर्ट। कहीं से आया सिग्नल? मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि मैं शादी उसी से करूंगी, उसकी तरफ से सिग्नल आएगा। ओए मत भूलो तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो, मर्जियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। इस बात से भी डरती हूँ लेकिन अब्बा के आबरू की कसम अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन रखो, मर्डर तुम्हारा होगा। खानदानी वकार के फांसी घाट में पड़ी होगी तुम्हारी लाश। तो फिर जुलेखा कहने से? किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलेखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ? इसका नाम यूसुफ है।
हेलो, बुखार उतरा? कौन? अरे तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी तुम्हें। मदिया, नाम तो याद है। देखो मदिया। अरे क्या देखूं? तुम वहां अपने घर में और मैं यहाँ अपने घर में, और आरजू में इतना दम नहीं कि तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके दिखाए। कैसे हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? भाई से। अब मेरा मतलब है भाई के सेलफोन से। मदिया ठीक नहीं है, अगर दाजी को पता चल गया तो। दाजी से डराओ मत। जितनी जरूरत है उतना डरती हूँ मैं उससे। 6 साल से तुम्हारे पास फोन है और 6 साल से मेरे पास भी फोन है, नंबर भी है। कभी फोन किया? सोचती थी एक दिन तुम्हारा फोन आएगा, पहले कहोगे कि गलती से लग गया, फिर इधर उधर की बात करोगे, फिर बात होने लगेगी। लेकिन ये आरजू भी दिल में रह गई। अच्छा बताओ बुखार उतरा? उतर गया, लेकिन प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगी। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें हर रोज फोन करूँगी। और जिस दिन फोन नहीं किया उस दिन समझना मदिया मर गई। करती रहो, मैं बात ही नहीं करूँगा। अभी भी तुम बात कहाँ कर रहे हो, डरा रहे हो, समझा रहे हो, थोड़ा सा डांट भी रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे। डरो मत और डराओ मत। बात करने से निकाह नहीं हो जाता, कहाँ ना दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। दोस्त समझ कर ही बात कर लो, किसी दिन बहुत काम आऊंगी तुम्हारी। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, दाजी आ गए, खुदा हाफिज़। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? उस साल की बात याद आ गई इसलिए हंस दिया। किसकी? यूसुफ की बात कर रहा हूँ यार। क्या बात है? तुम्हें बताने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा चलो बता देता हूँ, लेकिन वादा करो सुनोगी और भूल जाओगी और इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। हाँ हाँ पक्का वादा। पक्का? हाँ हाँ। कम वक्त को मोहब्बत हो गई है किसी से, और जिससे हुई है उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है। कौन है, कहाँ रहती है? ये कराची में रहती है। और वो कल जो उसे बुखार हुआ था ना, वो कोई जरासीमी बुखार नहीं था, मोहब्बत का नुजूल हो रहा है उस पर। लेकिन यार वो कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। जल्दी आ जाऊंगा मैं। हेलो मदिया, एक बात हो सकती है? हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। दाजी भाई तो चले गए, इसीलिए तो। मुझे पता है शाम से पहले नहीं आएगा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है? एक बहुत पर्सनल बात। हेलो सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ, मगर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चाय पियोगे? हाँ पियूंगा पियूंगा। ओके खुदा हाफिज। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, अब्बा ने हुक्म दिया है कि जब तक जुलेखा की शादी का मामला तय नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊं। और अम्मी के बकौल अगर जुलेखा ने इमरान मुगीस के प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया तो कॉलेज जाने का टंटना ही खत्म। क्या मतलब? सारी बात तो खुलकर बता दिया तुम्हें, फिर भी पूछ रही हो क्या मतलब? लेकिन तुम्हारे इस प्रपोजल से क्या वास्ता? अब्बा ने सैंक्शन लगानी थी तो मुझ पर लगाएं, रिफ्यूज तो मैं करने वाली हूँ। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है,
सैंक्शंस तुम पर लगी हैं तो इत्तेहादी भी जद में आएंगे। ये तो मनमानी है बिल्कुल। मतलब आंखें बंद करके अब्बा के हुक्म पर कुएं में कूद जाओ तो सब ठीक, वरना शरीयत के खिलाफ। लेकिन तुम डटी रहना, ठोस या धमकी में आके इमरान मुखी से शादी ना करना, चाहे खून की नदियां बह जाए। अरे तुम देखो तो सही, मैं उस कमीने इमरान मुखीज को ठेंगा दिखा कर आऊँ। जाओ और दिखा कर आओ। वो भी आया हुआ है? वो नहीं आया, लेकिन अब्बा उसे जेब में डालकर फिर रहे। नीचे अदालत लग चुकी है, वकील सफाई, वकील इस्तगासा सब मौजूद हैं, मुलजिमा का इंतजार हो रहा है। पहुंच जाओ और ललकार कर कह दो कि इमरान मुखीज की तो ऐसी की तैसी। मैं क्यों जाऊं, लगी रहे अदालत, बैठे रहे वकील। अब्बा ने बुलाया तुम्हें। हाँ, यहां बैठो। ये क्या, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? बस तुमने कहा मैंने बना ली, लो। अच्छा ठहरो, मैं डाल के देती हूँ। थैंक यू। पहले ख्याल नहीं आया? किस बात का? इस तरह चुपके आकर पर्सनल बात करने का। मदिया, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग में फंसी गई, लगा तुम ठीक कह रही हो। बताओ जरा क्या बात थी वो? तुमने कहा था ना कि दोस्त बनके हर बात शेयर कर सकता हूँ तुमसे, और एक दिन तो मेरे बहुत काम आओगी। हाँ। समझ लो दोस्त मान लिया तुम। पक्की दोस्त। लेकिन अब तुम भी अपनी बात पूरी करो। अरे तुम हुक्म तो करो। रोड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था मैं, जुलेखा नाम है उसका। मेरे दिल को लग गई, सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती है। लेकिन किसी सख्तगीर मौलवी की बेटी है, उसे घर का एड्रेस ही मालूम कर दिया, बल्कि एक बार तो मिलके भी आया। तो मैं क्या करूं? अरे बताता हूं ना, उसी से मिलने का प्लान तो बनाया है मैंने, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाय तो पियो, लंबी बात है। पी रही हूं। चीनी तो डाली नहीं तुमने? डालने से भी मीठी नहीं होगी। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना मुझे, या तो मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा था और अब लगता है कि खुदा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा। मोहब्बत हो गई है उससे? हाँ। जी अब्बा। मैंने इमरान मुगीस से तुम्हारी शादी तय कर दी। इमरान भाई? भाई मत कहो बेटा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। हो जाएगी तो नहीं कहूंगी। हो जाएगी। जब मैंने कहा तो फिर होकर ही रहेगी। इधर उधर क्यों देख रही हो, मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दो? यही कि रिश्ता तुम्हें पसंद है। बोलो बेटा, अल्लाह का नाम लेकर बगैर डर खौफ के
कह दो अपने दिल की बात। दिल की बात मतलब? जाहिर है मौलवी साहब, अगर लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बता देने दीजिए उसे। बाप के सामने दूसरा ऑप्शन बताएगी तो हौल मिला कुवताफिया। भाई साहब ज्यादती तो ना कीजिए बेटी से, और बेटी को शरई हक से महरूम नहीं कीजिए। पूछने में क्या है, ऑप्शन बुरा लगा तो इसी तरह चिल्लाकर इनकार कर दीजिएगा। तो बताओ है कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास? जी। कौन है, नाम बताओ उसका, नाम बताओ। अगर तुमने बाप के मुंह पर कीचड़ मलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर नाम बताओ। चलिए हमजा। नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो उस लड़के के साथ जो मुझे अच्छा लगे। हेलो, यूसुफ बोल रहा हूँ। मालूम है, फोन ही काट दिया था कि मेरे पास उन सवाल का जवाब नहीं जिनके जवाब में सिर्फ तीन ऑप्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे सवाल होते हैं। तुम्हें पता है, अभी गुड़िया को पढ़ा रहा था तो लगा कि सारे सवालों के गलत जवाब दिए हैं। मैं वो याद आ रही होगी ना, ध्यान नहीं होगा पढ़ाई में। हाँ। क्या वो बहुत खूबसूरत है? तना तो देखा ही नहीं मैंने उसे। तो क्या देखा? उसका नाम सुलेखा है। और तुम्हें पता है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ये नहीं पूछते कि वो कितना खूबसूरत है। वही सबसे खूबसूरत होता है शायद। उसके नाम ने भटका दिया तुम्हें। भटका दिया? नहीं, मैं तो सीधे रास्ते पे आ गया। बात तो बता, सुलेखा होने के लिए सुलेखा का नाम होना जरूरी है क्या? आज सब मुझसे मुश्किल सवाल ही कर रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि सारे सवाल मुश्किल, पर नहीं तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि मैंगो इज नॉट अ वेजिटेबल। तुमने मैंगो को वेजिटेबल कह दिया? हाँ। ठीक है, इस हालत में वैसे ही पहचानना मुश्किल है। अच्छा, कल जाओगी ना? वादा किया है, हर कीमत पर जाऊंगी। लेकिन अब तुम भी मुझसे एक वादा करो, खुद अपनी बाइक पर बैठाकर मुझे उसके दरवाजे तक लेकर जाओगे। ये कैसे हो सकता है, दादी ने देख लिया तो? ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए यूसुफ। तुम तो बस ये सोचो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बाहर वाले स्टॉप पे मिलूंगा। और प्लीज तुम भी बुर्का पहन के आना, ताकि कोई पहचान ना लेके तुमको आ रहा हूं, किसी को पता ना चले। किसी और को पता चले ना चले, तुम मत भूलना कि मैं हूं। जाहिर है, मैं कैसे भूलूं? एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम्हें सुलेखा से मोहब्बत नहीं होती से होती? मेरा मतलब कोई सेकंड ऑप्शन। क्या बातें कर रही है, मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन होता ही क्या? मैं भी यही कह रही थी, जिसको जवाब आता है वो ऑप्शंस नहीं पूछता। बात करोगे या फोन रख दो? नहीं, तुम सो जाओ। वो क्या है कि तुम वहां जाओ ना, तुम्हें फ्रेश लगना चाहिए। खुदा हाफिज़। हाँ।
क्यों रो रही है? अम्मी अब्बा याद आ रहे हैं बस। वाकई इस तरह अम्मी अब्बा को याद करके रहोगी तो मुझे लगेगा कि ना मैं तुम्हारी अम्मी हूं ना अब्बा। नहीं पर अगर कोई याद आता है तो उसके लिए रोना भी तो जरूरी है। ठीक है सो जाओ। क्या खुदा हाफिज़। तुम कॉलेज नहीं गई? अब कहाँ जाऊंगी कॉलेज? अब्बा फजर के वक्त फुप्पो की तरफ चले गए और वली आढ़त जाते हुए हुक्म देके गए हैं कि दोनों लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? कहा है, उन्हीं से बात करके आई, बताया कि कॉलेज नहीं जाऊंगी तो पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। कहने लगी जंग में उन लोगों का भी नुकसान होता है जो घरों में दुबक के बैठे होते हैं। जंग मतलब? अम्मी और अब्बा की जंग, तुम्हारी और अब्बा की लड़ाई। आप पुप्पो की तरफ क्या करने गए हैं? तुम्हारी बारात का बंदोबस्त करने के लिए। चलो रिया। हाँ गुड। इमरान मूवीज पसंद आ गया क्या? रहने दो कुसुम अख्तर, शहीदों को ताने नहीं दिया करते। तुम बस लाहौर जाने की तैयारी करो और साथ में टिकट मेरा भी ले लेना। जी ये जुलेखा को कह रहे? जी हाँ। अरे तो हटो, मैं दोस्त हूँ उसकी। जुलेखा 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 नहीं, हाजरा हूँ उसकी छोटी बहन। अरे हाजरा, पहचाना मुझे? नहीं, मैं मदीहा, क्लास टू में जुलेखा के साथ पढ़ती थी मैं। तुम तो उस वक्त क्लास वन में थी तो पहचानोगी कैसे, इतनी इतनी सी तो थी तुम। जुलेखा कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तो ले चलो मुझे उसके पास, सरप्राइज दूंगी मैं उसे। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम जुलेखा की दोस्त हो तो क्लास टू के बाद अब मिल रही हो उससे? जी आंटी, हम इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे, अबू की वहाँ पोस्टिंग हो गई थी। हाँ, एक महीना पहले वापस आई हूँ, तब से ही ढूंढ रही हूँ जुलेखा को। अस्सलाम वालेकुम। नाम तो तुम्हारा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, वो ऊपर है, मिल लो। आओ ले जाओ। मेरी जान कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। आप कहोगी मुझे, तुमने भी नहीं पहचाना? I'm sorry, but मैं मदीहा, मदीहा साहब। वो तो ठीक है लेकिन सीधी तरह कहो ना, बिल्कुल भूल गई मुझे। पहले कहाँ मिले थे हम? स्कूल में, क्लास टू में साथ पढ़ते थे। कहाँ? हमें क्या क्या याद दिला। बैठे ना। ये देखो कैसे खड़ी मुंह देख रही है मेरा। याद है बचपन में भी इसी तरह हैरान रहती थी। अब चाय वाय पिलाओगी या पूरी तसल्ली कर कर जाओगी? अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने खुदा की कसम तुम्हें पहचाना नहीं। कौन से स्कूल में हम साथ पढ़ते थे? वो क्या है कि क्लास वन से फोर तक मैंने तीन स्कूल चेंज किए, इसलिए पूछ रही हूँ।
मैं झूठ बोल रही थी, हम किसी भी स्कूल में साथ नहीं पढ़े हैं। ये महीना भर पहले एक लड़का तुम्हें ट्रेन में मिला था और फिर वो डाकिया बनकर घर भी आया था तुम्हारे। यूसुफ? हाँ, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके लिए आई हूँ तुम्हारे पास। हेलो। अबे कहाँ है साले? अबे गुड न्यूज़ मिल गई है, चैनल वाले मान गए हैं। अबे उन्हें गाना बहुत पसंद आया, कह रहे हैं गाना बना कर दो, अपने पैसों से हम वीडियो शूट करा देंगे। और पता है साले, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे। अच्छा, बस अच्छा। अबे तू खुशी से चीख क्यों नहीं रहा है? घर पे हूँ ना इसलिए। झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो तेरे घर में आजकल रक्षा चल रहे हैं? टीवी चल रहा है ना, टीवी पर रक्षा चल रहा है। अच्छा, आवाज बंद कर। नहीं तुम फोन बंद करो, मैं आता हूँ। नहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। अच्छा मैं खुद आता हूँ, समझ गया हूँ मैं। ओके। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ सताव कोशिश। कितने पैसे हुए लाला? तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हारी इज्जत रख लेती हूँ, समझो मैंने तुम्हें पहचान लिया। और बैठकर चाय पियो, उसके बाद फिर गले मिलो और दोबारा आने का वादा करके चली जाओ। लेकिन कभी आना मत, दोबारा इस घर में पैर मत रखना, वरना उस कमीने के साथ तुम भी मारी जाओ। धमका रहो जुलेखा, मुझे डरने की आदत होती, मैं तुमसे मिलने नहीं आती और उससे भी कोई डर नहीं है। मोहब्बत करता है वो तुमसे। क्यों करता है? मोहब्बत करने वालों से कभी ये सवाल नहीं पूछते। मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। मुंह तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम दिल तोड़ दो उसका। उसके दिल से मुझे क्या लेना देना, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। मिलना चाहता है वो तुमसे। क्या बात कर रही हो तुम, मैं क्यों मिलूंगी उससे? और उसका हक ही क्या कि वो इस तरह का मुतालबा करे? मोहब्बत के पास बड़े हक होते हैं जुलेखा, तुम हक मानने से इनकार कर सकती हो लेकिन मुतालबा करने से मना नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम चाय पीकर जाओ तो अच्छा है, सबको लगेगा कि सच में तुम मेरी दोस्त हो, इस तरह इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। इस बात की परवाह नहीं है तो फिर निकलो यहाँ से। वो अगले संडे का कह रहा था कासिम बाग में। शट अप। तुम नहीं आओगी तो वो फिर मुझे भेज देगा और मुझे आना पड़ेगा, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा होगा कि तुम आने का वादा कर लो या मुझे अभी के अभी जलील करके यहाँ से निकाल दो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें जलील करने की। अच्छा, चाय ला रही हूँ, ठहरो, बैठ जाओ, बैठो। पहचान लिया? हाँ। कब जाएगी? 18 साल बाद आई है, जाते जाते जाएगी ना, ये जाके कह दूं कि बस अब चली जाओ, अम्मी को बुरा लग रहा है। देख रही हो कुलसुम कैसे जबान चलने लगी है इसकी। अरे नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी बस, आप घबराइए मत,
चाय पी के चली जाएगी ना। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल आपकी मतलूबा नंबर से मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अपने काम के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की है उसने। मुझे क्यों सुना रही हो? जल्दी चाय पियो, निकलो यहाँ से। एक बार मिल लो उससे, मिलकर समझा दो कि यूसुफ नाम होने से उसे जुलेखा नहीं मिल सकती। कि तुम बताओ ना उसे, मैं तो जूता निकाल कर मार दूंगी उसके मुंह पर। सच्ची बताऊं तो उस दिन भी मेरे हाथ से बचकर निकल गया था, वरना ऐसी पटाई लगवाती कि याद करते बुखार हो जाता उसे। बुखार तो हो जाता है उसे, तुम्हें याद करता है तो उसे बुखार हो जाता है। एक बार तो मैंने अपने हाथों से ठंडी पानी की पट्टियां की है उसे। जो भी है, चाय का शुक्रिया। मैं दो चार दिन बाद फिर आऊंगी। फिर कभी नहीं आऊंगी तुम। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल कर लो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। चाहूं भी तो बाहर उसे कहीं नहीं मिल सकती। तुम चाहो तो सही, मुलाकात करवाना मेरा काम है। शट अप। अपनी दोस्त से इतने दिन बाद मिली हो और जरा सी बात पे शट अप। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा वैसा लड़का नहीं। इसीलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, तुम एक बार उससे मिल लो और जो बात तुम्हारी पिटाई से उसे समझ आएगी वो तुम प्यार से समझा दो कि वो तुम्हें जुलेखा समझे, यूसुफ की जुलेखा नहीं। नहीं, कभी नहीं। मैं खुद जाऊंगी तो तुम्हारे घर वालों को शक होगा। अच्छा है कि तुम्हें मुझे छोड़ा। चलो। अरे मुस्कुराओ तो सही, हम 18 साल बाद मिले हैं। ऐसे गुस्से से चलेंगे तो हमारे घर वालों को लगेगा कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। आओ प्लीज। तुम आ गए? जाते वक्त तो कह रहे थे कि शाम हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? दीदी तरह पूछ लो कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास गई थी। सुबह से ऐसे लग रहा था जैसे बुखार है मुझे। दवाई क्या है?
दवाई भी देखोगे? ये लो, जाओ जाके किसी से पूछ लो कि ये बुखार की है ना। झूठ बोल रही है मैंने, और अगर सच बोल रही हो तो मेरे दिल को यकीन क्यों नहीं हो रहा? चलो डॉक्टर के पास चले, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तुम्हें पता है मदिया मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या लगता है तुम्हें कहाँ गई थी मैं? वही तो पूछ रहा हूँ, डॉक्टर के पास आने जाने में 3-3.5 घंटे नहीं लगते हैं। 3 घंटे? हमसायों की बीबी जी बता रही थी कि तुम 11:30 बजे निकली हो। तुमने उनसे क्यों पूछा? क्योंकि बिना बताए सिर्फ तुम वहीं जाती हो, और अगर कहीं और जाना होता है तो फोन करके मुझसे इजाजत लेती हो। भूल गई मैं आज। पकड़ो। सुनो, उस दिन जब तुम मम्मी अब्बा को याद करके रो रही थी ना, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुझे कि तुम तकलीफ में, इसलिए तकलीफ को छुपाओ मत। जाओ कमरे में बैठ के सोचो कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त भी है तो फिर बता दो कि सच क्या है। बताओ क्या हुआ? सुनोगे तो दुख होगा तुम्हें। चलो दे दो दुख। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मालूम है मुझे, ये बताओ कि मेरी बात की उसके साथ? वही तो कर आई। मिलने के लिए कहा? 3 बार कहा। सुन के बहुत गुस्से हुई होगी है ना? कह रही होगी नो नेवर, कभी नहीं। हाँ। ये कहा कि मैं मर जाऊंगा उसके बगैर? ये भी कहा। तो फिर तुम देखा, वो मरने नहीं देगी मुझे। सुनो, इससे बड़ी भी एक और खबर है। बोलो। सुनकर मर तो नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस, नहीं मरूंगा। अगले इतवार उसकी शादी है उसके कजन इमरान मुगीस के साथ। हेलो मदिया। यूसुफ दाजी को पता चल गया सब कुछ। वो दवाई लेकर घर आने का बहाना नहीं चला। क्या? अब क्या होगा? दाजी कह रहा है सब सच बता दो। अरे वो तो जान से मार डालेगा मुझे। उसकी कॉल आ रही है। तुम डरो मत, मैंने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं है। अच्छा फिर रखो, मैं बात कर लूं उससे। दाजी कहाँ है तू, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हाँ मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। यार देख, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा है। तुम्हारी कसम सीरियस तो बहुत हूँ मैं। अच्छा अच्छा चल जल्दी पहुंच, वक्त नहीं है हमारे पास यार। सही कह रहा है तू, वक्त का भी पता है कि कम है। अच्छा तू रख, मैं आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ओके। यूसुफ, वही जो ट्रेन में मिला था गिटार वाला, वो जो डाकिया आया था ना उस दिन घर पर, वो डाकिया भी नहीं था, वही था खबीस। अरे क्यों आया था? पहले पूछा आप जुलेखा हो ना, मैंने हाँ बोला तो कहने लगा मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है।
लव स्टोरी। शाता बताओ ना, लड़की क्या कह रही थी? कह रही थी मुझसे मिलना चाहता है। बेचारा, ऐसे लोफर को बेचारा मत कहो। पता नहीं क्यों मुझे मोहब्बत करने वाले हर आदमी से हमदर्दी हो जाती है। मेरी बात करो ना, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी तो अगला संडे चुटकी में आ जाएगा। अगले संडे के बारे में मत सोचो, समझो परसों जो संडे आ रहा है वही अगला संडे। क्या मतलब? गोला तोप के मुंह में डालो और फायर कर दो। गोला किसको बोल रही हो? आईडीए को। आईडीए को कहते हैं गोला और मुंह को कहते हैं तोप। अब यह भी बताना पड़ेगा कि फायर करना किसे कहते हैं। तू बस सोच के अगले संडे को टीवी पे हमारा इंटरव्यू चल रहा होगा और बैकग्राउंड में गाने की कोई धुन चल रही होगी और एक प्यारी सी होस्ट हमसे रिक्वेस्ट करके कहेगी कि क्या आप हमारी नाजरीन को अपने गाने के दो बोल गुनगुना कर सुनाएंगे। तो तुझे पता है नाजरीन में कौन कौन होगा? अरे वो भी तो होगी, देख कर झूम कर कहेगी ये तो वही है ट्रेन वाला। वो नहीं कहेगी दाजी, वेडिंग नाइट पे दुल्हन टीवी नहीं देखती है। क्या मतलब? अगले संडे शादी है उसकी। ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची खबर सुना रहा हूं। देख ही रहा हूं कि किस्मत के मामले में तुम भी फारिग आदमी हो दोस्त। अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी कि कहानी खत्म। अब मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी तुम देखना। क्यों, सुसाइड करेगा? सुसाइड नहीं करूंगा, जिसे मोहब्बत ना मिले वो मरी गया ना, फिर सुसाइड करने का फायदा? ये छोड़ के जा रहा हूं, यही गिफ्ट दे रहा हूं तुझे। यूं समझ ले कि मरने वाला अपनी कुल पूंजी तेरे नाम वसीयत करके जा रहा है। अब तू गाय करना, मैं नाजरीन में बैठ के देखा करूंगा। अबे भाई बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये ले, मोहब्बत करता है ना उसे तो शादी रोक दे उसकी। रोक दे, पागल हो गया है क्या? शादी कैसे रोक सकता हूँ यार? उसके अब्बा को फोन कर, बोल इसकी शादी कहीं और ही तो गोली चल जाएगी। तो गोली चलाएगा कौन? तू चलाएगा। मरने के बजाय मारने के फॉर्मूले पे सोच यार। मोहब्बत को समझते नहीं हो तुम, तो जान देते हैं लेते नहीं है। इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जान दे के रहोगे, तो फिर समझ लो कि ये सुसाइड करने का एक नया तरीका है। जाऊं? शादी अगले संडे को है ना? हाँ। तो मुलाकात कर उससे। मुलाकात नहीं हो सकती यार। मोहब्बत को तुम भी नहीं समझते हो मेरे बच्चे, इसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। वो घर से निकलेगी तब ना, और निकलेगी भी तो मुझे कौन बताएगा कि वो कब गई है कहाँ गई है? और फर्ज कर मेरी मुलाकात हो भी जाती है तो क्या कहूंगा मैं उससे? यार उसको बोलना कि ये शादी मत करे वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैसे कह सकता हूँ यार, वो कहेगी तुम होते कौन। यहीं से तो बात शुरू होगी, फिर तुम बताना कि तुम होते कौन है उसके। मुझसे प्यार नहीं करती वो, तो कहती है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम तो कहते थे कि प्यार खुद ब खुद पहुंच जाता है यार, यहाँ तो सामने वाले का रिसेप्शन ही खराब चल रहा है। लव मैरिज कर रही है? मालूम नहीं। तो मालूम करना यार, और अगर लव मैरिज कर रही है तो उसकी शादी में जाके सिर्फ दुआएं देके वापस आ जाना, इसके अलावा कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लव मैरिज नहीं है तो फिर संडे से पहले उससे मुलाकात जरूर कर। तूने उसका घर देखा है? हाँ। मुझे भी दिखा। उससे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उससे तेरी मुलाकात का कोई ना कोई बंदोबस्त निकल आएगा। अब तुम हवा में तीर चला रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो ना मुझे। अरे मान ले झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, और ये भी मान ले कि हवा में तीर चला रहा हूँ, क्योंकि तीर कमान में रख के बैठे रहने से बेहतर है कि चला दो, क्या पता निशाने पे लग जाए। तू बस अपनी हिम्मत को चेक कर और मुझे सोच कर बता कि जब उससे मुलाकात हो जाएगी तेरी तो टिक के बात करेगा। कर लूंगा। रोक दे। ये उसी गली। तो घर दिखाना मुझे। और ये काले गेट वाला। ये उसका यार घर से तो खाते पीते घर आने की लग रही है।
मैंने सुना है जुलेखा बड़ी अमीर थी यार। अबे यहाँ क्या है? बताता हूँ। है? यहाँ से चाय पियेंगे। ये बिल्कुल उसके घर के पास है ना, इसलिए अच्छा लगता। पी लो। हाँ, पी ली पी ली। लाला दो चाय। क्या हुआ? कब बात है ये? ये थे उनके बाप। दाजी, पहचाना मुझे? ये तो बता, तू दाजी है ना? हाँ। मदिया का भाई, कमीने में टोनी, मदिया क्लास फेलो। याद नहीं उसकी नोटबुक पर कुछ गलत सलत लिखने पर इस साले ने बहुत मारा था मुझे। अरे हाँ, अरे तुझे भी पहचान लिया सर। इस साले को तो भूला ही नहीं हूँ। ये देख, ये देख रहा है? ये वाला दांत तोड़ दिया था मार मार कर, नया लगवाया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मेरा मोहल्ला, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मोहल्ला इसका। अच्छा ये बताओ तुम सुधर गए? वैसे क्या वैसे ही। छोड़ना यार, वो तो बचपना था, अब तो शादी कर ली है मैंने, एक मल्टीनेशनल में नौकरी भी कर रहा हूँ। क्या बात, चाय पिएगा? मेरे मोहल्ले में आकर चाय तुम मुझे पिलाओगे? उठो यहाँ से, घर चलो, मैं पिलाता हूँ चाय। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। देखो इनकार मत करो, मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम दोनों ने वैसे माफ तो कर दिया ना मुझे। हाँ चलना यार, मैं इतने इसराज कर रहे, मान ले चलते। हाँ हाँ चलो आओ। अच्छा लाला रहने दे, हम बाइक पे आ रहे हैं, चलो। हाँ, चलो। ये घर है तुम्हारा? हाँ यार, लेकिन अपना नहीं है, रेंट पर रह रहा हूँ। लव मैरिज की तो अब्बा ने घर से बाहर निकाल दिया, बस तब से यहीं रह रहा हूँ। ऊपर या नीचे? ऊपर। क्या हो गया दाजी? आओ चलो चलो चल प्यारे, मेरा दिल ठीक कह रहा था, चल ना चल। अच्छा अच्छा खुला की धमकी दे दी है मैंने, साफ कह दिया है कि जिस दिन इमरान मुगीस के पेरेंट्स घर में पड़ेंगे उस दिन इंशाल्लाह मैं घर से निकलूंगी। वो समझ रहे होंगे मजाक कर रही हो आप। एक ऐसी कसम खाई थी जो सुनते ही उन्हें यकीन आ गया कि मजाक नहीं कर रही। और ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, एक मजलूम औरत का इरादा है। लेकिन तुम सबको मैं ये बता दूं कि मौलवी नूर मोहम्मद जिस आदमी का नाम है वो मेरी लाश को भी फैलांग कर गुजर जाएगा। आपको भी क्या जरूरत थी बात करने की, और अब कर दिया तो प्लीज इस पर डट ना जाइएगा। तुम तो थम कर बैठो, मैंने जो कह दिया वो मैं करके दिखाऊंगी। तुम भी ना माँ को ही मुश्किल में डाल रही हो, जब शादी पे राजी नहीं हो तो जाके अब्बा से साफ इनकार कर दो, आधा काम तो यही खत्म हो जाएगा। बाकी आधा कैसे होगा, कौन करेगा? वो मौलवी नूर मोहम्मद है, इनकार सुनकर चुप नहीं हो जाएंगे। पहले वाली शोखी और शरारत तो रही नहीं आप में, पहले तो जहां मौका मिलता था वहां दाव खेलते थे, कभी कहते थे कि कितनी प्यारी लग रही हो, कभी पास से गुजरते हुए कहते थे कि छत पर मिले। आपको याद है जोरा बाजी की शादी में आपने हाँक भी मार दी थी? मारी आपको थी और लगी जाके आफिया की आंख में, पर सबके सामने उसने ऐसी ऐसी बेहुदा गालियां बकी के तौबा तौबा। हाय अल्लाह, शोहर को गालियां दी, मजेदारी और पासदारी समझे। एक बार फैसला कर लिया निभाने का तो इस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। दाजी यहाँ से हट जाओ यार। क्यों? ये जरा माइंड करने वाले लोग हैं, दीवार से लग के खड़े होना तो फजूल का गुस्सा करते।
अच्छा हाँ, अब जरा यूसुफ को बताओ कि बराबर वाली छत किसकी है। क्या मतलब? अरे यार उस आदमी का नाम बताओ ना जो गुस्सा बहुत करता। मौलवी नूर मोहम्मद। हाँ तो बेटा ये मौलवी नूर मोहम्मद की छत है, अच्छी तरह देख लो। चोर नहीं हूँ, एक बार सुन लो, पूछ लो कि क्यों आया हूँ। उसको बच्चा अब्बा को आवाज देके बुला देना, कह देना कि मैं चोर हूँ, मैं भी मान लूंगा कि चोरी के लिए आया। दूर हटो, बताओ क्यों आया हो यहाँ पर। नहीं ये चोर नहीं है, नहीं है ये वही है ट्रेन वाला। यूसुफ अब बताओ यहाँ तक पहुंचे कैसे, किस रास्ते से आयो यहाँ? जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना उस रास्ते पे तुम्हारी तरफ से ट्रैफिक जाम चल रहा है। शट अप, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। खुदा की कसम मैं जिंदा वापस जाने के लिए आया भी नहीं। पूरी बात सुन लो, उसके बाद जिसको मर्जी बुला लेना, कह देना जान ले ले तुम्हारे पर ये खून माफ। समझना तुम्हारी शादी पे जान की सलामी दी है तुम्हें। करो बात, यहाँ बैठ जाओ। मुझसे बात करो, बैठ जाओ ना प्लीज, एक मिनट प्लीज बैठो, बैठ जाओ ना। सुन लो बेचारा क्या कह रहा है, बस एक मिनट है तुम्हारे पास, बोलो। बोलो भी, इस तरह देखते रहोगे तो अब्बा को आवाज दे देगी। तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? बिल्ली होगी। हाँ बोलो ना। अगले संडे शादी है तुम्हारी? हाँ। ये शादी नहीं होगी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अगले संडे तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये मोहब्बत वाली बात ना करते तो एक कप चाय पिला देती तुम्हें। चलो अब निकलो यहां से, एक मिनट खत्म हो गया है। डरो उस वक्त से जब एक मिनट की मुलाकात के लिए भी तरसोगी तुम। तुम इसके दावे सुन रही हो? खुदा का वास्ता इसको यहां से ले जाओ, मिलके हाथ जोड़ कर रुखसत करो इसे। लो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती हूँ, यहां से चले जाओ, ये मेरा कमरा है। किसी ने निकलते हुए देख लिया तो मैं ये भी बता नहीं पाऊंगी कि गैर लड़का मेरे कमरे में क्या कर रहा था। मैं गैर नहीं हूँ सुलेखा, मैं यूसुफ हूँ। तो फिर जाने के बाद अपना नाम बदल लेना, या फिर मैं अपना नाम बदल लेती हूँ। चलो आज से फिर कनीज फातिमा है नाम मेरा। ये संडे को शादी ना होने वाली बात तुम ऐसे ही कर रहे थे या इसमें है कोई दम? मोहब्बत में बहुत दम होता है आजरा। तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है, तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जाहिर है पहुंचे हुए हो, तभी तो ठग से यहाँ पहुंच गए। सुलेखा डरो इससे, इसकी आने वाले दिनों पर नजर है। इसकी नजर सिर्फ मुझ पर है, ये अपनी आंखें निकलवाएगा मुझसे। लव मैरिज कर रही हो? लव मैरिज कर रही हो तो ये शादी नहीं रुकेगी, वो कर रहेगी। मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। चलिए अब आप जाइए बाबा जी। तो नंबर है मेरा, एक मिनट। ये नहीं कह रहा कि फोन करो, 8-9 दिन के लिए संभाल के रख, बारात पहुंच जाए तो जूती के नीचे मसल देना।
आज छत पे जरा प्रॉब्लम नहीं है ना, आफिया से बच के खड़ा हो। वैसे बहुत मजे की हवा चल रही है, ऊपर से चांद भी निकला हुआ। एक मिनट, कौन निकल आया? एक मिनट, चोर 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 पकड़ा गया। बली, अभी हमजा, ओ बंदूक लेके आओ। बली, अली हमजा, बंदूके लेके आओ। क्या हुआ अब्बा? अंदर चली जाओ, दरवाजे बंद कर लो, घर में चोर घुस आए हैं, फायरिंग होने वाली है, अंदर जाओ। अली, और सुन नहीं रहे हो कमबख्त? अली हमजा, आप इमरान मुगीश हो ना? क्यों, आवाज से नहीं पहचाना? शक्ल से पहचानती हूँ ना। वो क्या है कि हमें कभी बात बात तो हुई नहीं, इसलिए आवाज़ का कनेक्शन नहीं बना। तो कर लिया करो ना बात। बात नहीं, मुलाकात। मुलाकात मतलब आप मिलने की बात कर रही हैं? आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, गोली मारे मुलाकात को। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वही तो, मैं भी यकीन कर लेना चाहती हूँ। कब? कब का मतलब तो लेट होता है, मैं तो आज ही मिलूंगी, अभी थोड़ी देर में। बताइए कहाँ? बस जहाँ आप कहें। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अब एक प्रॉब्लम है, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसकी शादी उसके कजन से हो रही है। इसका मतलब है उन लोगों ने तो तुम्हें शादी पर भी नहीं बुलाया होगा। कैसे बुलाएंगे, वो तो मुझे जानते तक नहीं है। अच्छा तो बताओ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? अब आप जाए ना, बात करें उनके साथ। कब जाऊं? तो क्या आप सचमुच चले जाएंगे? लड़की की शादी हो रही है कोई मजाक बात नहीं है, आखिर वो अपने कजन के नाम पे मानी है तो बात शादी तक पहुंची है ना। भाई बेटे के खातिर जाना तो पड़ेगा। ठीक है वो लड़की शादी अपने कजन से कर रही है, लेकिन मोहब्बत तो हमारे बेटे से करती है ना। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या? मेरा मतलब है बेटा तुम्हें जानती तो है, पहचानती तो होगी ना। जी वही नुदरत, ये तो बड़ी जानलेवा लव स्टोरी है। अब्बा मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी सीरियस हूं, और अगर मैं इससे ज्यादा सीरियस हुआ ना तो उठ के तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा मैं, बेवकूफ। हम सखर से आ रहे थे, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था, और आप चुपके से आ गए थे मेरे पास। उस चांद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उस वक्त आपने शादी का इशारा भी किया था, लेकिन मैं समझी नहीं थी। समझ तो खैर आप गई थी, बस जानबूझ के अनजान बन रही थी। अरे नहीं, कसम से नहीं समझी थी, उस दिन समझ आ जाती तो आपका मुंह ना तोड़ देती। गुड जोक। जोक तो ये कि मेरी शादी तय कर दी, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो मुझसे भी तो किसी ने नहीं पूछा, बस दुबई फोन करके कह दिया कि जुलेखा से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, पहुंच जाओ फौरन। मैं फौरन पहुंच गया। और आप फौरन वापस नहीं जा सकते? ये जोक नहीं है इमरान मुगीश, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। जोड़े अब्बा और पप्पू की मर्जी से नहीं बनाए जाते, दिल की मर्जी से बनाए जाते हैं। और शादी करते हैं दो दिल दो जिस्म नहीं। देखिए अगर ये मजाक नहीं है तो आप इंसल्ट कर रही हैं मेरी। तो बैठ कर तय कर लेंगे, इस तरह किसी की भी इंसल्ट नहीं होगी, वरना याद रखिएगा बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। चलो हाजरा। मैं एक सेकंड आया। ओए कहाँ जा रहे? पीछा कर रहे हो तुम मेरा? खुदा की कसम नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मिलोगी।
खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। जी भाई साहब। कौन हो तुम? आप कौन है भाई साहब? इमरान मुगीस। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। जुलेखा ने बताया होगा। जुलेखा को आप कैसे जानते हैं भाई साहब? मैं जुलेखा का होने वाला शौहर हूँ बड़ी, इमरान मुगीस। शौहर तो अभी बना नहीं है और शौहर वाले सारे राइट्स इस्तेमाल कर रहा है। ये थप्पड़ इसकी तरफ से था और ये भी उसका होने वाला शौहर है, समझा? चल इसे भाग 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 ओके साला भाग दे गो। दोबारा नजर आए ना जान से मार दूंगा। तो मुंह तोड़ दिया। फिर से बता क्या बातें कर रही थी उससे? बातचीत नहीं सुनी मैंने, बातें करते देखा था बस। जैसे ही मैं सर पे पहुंचा वो फट से रिक्शे में बैठ के चली गई। अल्लाह की मार पड़े, तभी कह रही थी कि इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा कह क्यों रही है। जब मैं बाहर निकला तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, समझे? तो रंगे हाथ तो पकड़ा है मैंने उसे। किससे मिलकर आ रही है तुम? इमरान मुगीस। झूठ झूठ बोल रही है ये। इससे कहो के लड़के का नाम बताए। किस लड़के का? तुम पर इल्जाम है कि तुम किसी गैर लड़के से मिलकर आ रही हो जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान मुगीस को मारा है। मैं उस लड़के को नहीं जानती। तो उस लड़के ने इसे क्यों मारा? कौन लगता है वो उसका? और अगर कुछ नहीं लगता तो इतनी दिलेरी कहां से आ गई? इशारा है आम पे खड़े होके लड़की के होने वाले शौहर के मुंह पे घुसा मार दिया। ये वही लड़का है कमबख्त। कौन? अरे वो बाजा लेके जो सखर से ट्रेन पे सवार हुआ था, ऐसे ही आवारा लफंटर सा लड़का है, तब से पड़ा हुआ है जुलेखा के पीछे। अंदर से बात निकल आई ना? ऐसी कोई बात नहीं आपा, जुलेखा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं? और मैं भी कैसे मान लूं, अपनी आंखों से देखा था मैंने, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने जुलेखा के साथ बदतमीजी की हो, उसका रास्ता रोका हो और जुलेखा उसे डांट रही हो। हाँ ये हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, याद नहीं वो मुझसे मिलने क्यों आई थी? जरा ये तो पूछिए मामू वो आई क्यों थी? क्यों मिलने आई थी? बताने आई थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। यार ये तो पता है मुझे। क्या आप आफिया की वजह से, आफिया की वजह से ही इनकार करती है ना? ना ना। क्या मतलब? नूर मोहम्मद तुम्हारी वकालत में दम नहीं है, तुम अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाल रहे हो। अस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फिरुल्लाह। देखो नूर मोहम्मद, मुझे रिश्ते से इनकार नहीं है लेकिन मेरा दिल मैला हो गया है। अब तो सबूत लेकर आओगे तो बात जमेगी। क्या मतलब क्या है आपका, आप बातें कैसी कर रही? लड़के को सामने ला के बिठाओ और बात करो, वरना कुछ भी समझ। अरे बीबी किसी शरीफ आदमी को मारने पीटने और कतल की धमकियां देने की FIR कट गई के खिलाफ। चलो चल तुम अंदर जाओ। मैं चलो तुम जाओ। चल चलो ये पकड़ा गया मामू, यही है जिसने घूसा मारा। बस एक ही घूसा, कई घूसे मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सर जी ये अपना नाम दाजी बताता है। यही है? है तो यही, लेकिन वो दूसरा कहाँ है? सर जी ये तो कहता है मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। ये झूठ बोलता है, वही तो बातें कर रहा था उससे। चुप कर। क्यों भैया दूसरा कहाँ? मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था।
दूसरा कमीना तो जरूर चाहिए जनाब। चल भाई। अरे शेर साहब आप बैठिए, दूसरा भी आ जाएगा, ले जाओ उसे और चाय वाय पिलाकर प्यार से पूछो दूसरा कहाँ है, ना बताए तो फिर पूछो, और फिर भी ना बताए तो इसे बताने वाले कमरे में ले जाओ। चल प्यारे। किसी को कत्ल करने की धमकी दी है क्या? अरे नहीं, वो तो मैं सुलेखा से आमना सामना हो गया था, मैं बात कर रहा था तो ऊपर से उसकी जानने वाला आ गया, वही इमरान मुगीस, साला बदतमीजी करने लगा तो ताजी ने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया। लेकिन तुम्हें किसने बताया? पुलिस वालों ने, अभी आकर दाजी को लेकर गए। यूसुफ हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा? तुम्हारी नाम निहाद मोहब्बत में हम भाई बहन क्यों जलील हो रहे हैं? उसको गिरफ्तार से पकड़ कर लेकर गए, पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या हाल हो रहा होगा उसका। दो मिनट में तफ्तीश मुकम्मल होने का मतलब समझते हो? ये होता है इसका मतलब। अब तुम्हें मैं एक मिनट का वक्त देता हूं, तुम उन्हें फोन करके बुलाओगे या हम उसे लाएंगे? साहब मैंने कहा ना कि मेरे साथ कोई नहीं था। चित्र लेके आओ सर। साहब आपके लिए नमकीन बिस्किट मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के को मैंने कहीं देखा है? जी हाँ, मैं वही हूँ जो सक्कर से आते हुए आपको ट्रेन में मिला था। अरे मामू यही तो बातें कर रहा था उससे। शेख साहब आप क्या कर रहे हैं, कानून को हाथ में ना लें आप। मैं इस कमीने का खून पी जाऊंगा। आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, फिर मेरा खून पी जाइए। ओए शरीफ, ओए शरीफ, शेर साहब ये बचकर नहीं जाना चाहिए। हैदर साहब इसकी पोटियां नोचकर कुत्तों को खिलानी है। आपने जो करना है कीजिए, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, वह बिल्कुल बेकसूर है। अभी पता चलता है तुझे भी और तेरे दोस्त को भी। अब पकड़ो इसको, पीछे डाले को ले जा, हवालात में बंद करो इसको। शेख साहब, शेख साहब आप इधर आए। आप फिक्र मत करें, हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए, बैठे। जुलेखा, जुलेखा क्या हुआ? वो यूसुफ पकड़ा गया और बने से हवालात में बंद करवा दिया। वो कमीने पुलिस वाले मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़े। खुदा से डर जुलेखा, ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया उसने, ना ही वो कोई बुरा इंसान है। उसकी वजह से मुझ पर फेर का इल्जाम लगा, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। और वो जो दीवार फांद कर चोरों की तरह यहाँ तक पहुंच गया था, ये कुछ छोटा जुर्म है? पता नहीं कौन कौन सी दफा लगती है। शुक्र करें मैंने अबा को वो बात नहीं बताई, वरना जेल में चक्की पीस रहा होता। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, एक मोहब्बत ही तो किया उसने, इतनी बड़ी सजा। तर्स खाने की कोई जरूरत नहीं है, अवारा टाइप का लड़का है वो, ऐसों को मार वार और बेइज्जती वगैरह कुछ याद नहीं रहता। सुनकर तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ? दिल को क्या होगा? अरे नहीं हुआ है, खुशी हुई है बहुत। तो फिर कसम है तुम्हें कि इसी तरह मुस्कुराती रहे। अब्बा और इमरान मुगीस के सामने मार पड़ रही है उसको, वली उसकी वीडियो बना रहा है, आकर दिखाएगा तुम। मारो, जोर से मारो। आ, आ,
एक मिनट, उठवाइए इसे। उठाओ, यहां लेके आओ, बिठाओ यहां पे। वीडियो बना रहा है ना वली? जी अब्बा। बता, जुलेखा को कैसे जानता है तू? और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, सख्त नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल न जाए। लेके जाओ। बस बहुत हो गया शेख साहब, मोहब्बत के अलावा इसका कोई जुर्म नहीं, और माफ कीजिएगा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। उठाओ इसको, गर्म दूध पिलाओ। आ जाइए शेख साहब, बड़े साहब के फोन पर इससे ज्यादा बेईमानी नहीं कर सकता। से नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मोबाइल मुझे दें अम्मी, दो मिनट के लिए सुलेखा को दिखा के आती हूं। और उस दिन वाली मुलाकात में सुलेखा का कितना कसूर? उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। मारो इसे, और तब तक मारो जब तक इसके दिमाग से ये मोहब्बत वाली बात निकल ना जाए। लेके जाओ। हेलो, जुलेखा बोल रही हूँ। मालूम है, कैसे हो? अच्छी नहीं हूँ मैं, कल परसों में निकाह होने वाला है मेरा। कहाँ है वो? अपने घर चला गया है। चल सकता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत चल लेता है। तो फिर उसे कहो कल रात वो मुझसे मिलने आए, जैसे पहले आए थे दीवार फांद कर। फोन रखती हूँ। कहाँ है? सो गया। जब कोई सैड गाना सुन लेता है ना तो सो जाता है। कहाँ जा रहे हो? घर। उसके घर जाओ, वैसे ही दीवार फांद कर।
इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। फोन आया था उसका, बुलाया है उसने तुम्हें। बुलाया मतलब मोहब्बत हो गई है उसे, लेकिन उस दिन हुई है जिसके अगले दिन उसका निकाह है। कहती है अगर निकाह आके रोक ले तो मुझे मोहब्बत हो जाएगी उससे। निकाह कल है ना? हाँ, लेकिन मुलाकात की दावत आज रात की। आज रात को वो छत पर तुम्हारा इंतजार करेगी। कितने बजे? उसने रात का कहा था, ये नहीं बताया कितने बजे। सुनो, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। कल कहोगी तुमसे तो जिया भी नहीं जाता। किसी ना किसी तरह चल तो लूंगा, लेकिन किसी भी तरह जी नहीं पाऊंगा। देख क्या रहा है कमबख्त, गोली चला चोर पे। क्या हुआ? क्या दादी, मैंने कहा था उसके पीछे जाओ, उसको गोली मार दी है, उसकी छाती पे लगी है, वो मर गया। सो जा, कुछ नहीं, सो जा। लाइट बंद नहीं कर रहा। रात के 2 बजे हैं सुलेखा, पूरी रात अभी बाकी, अब उम्मीद बाकी नहीं है। सोचा था आने का वक्त नहीं बताया तो शाम ढलते ही आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या करे बेचारा, परसों पुलिस की मार पड़ी है और आज सिर पर मौत खड़ी है। सुना था चल नहीं सकता और चल पड़ा मोहब्बत के रास्ते पर। लाइट हो जा, तुम इस हाल में सो जाओगी? हाल तो अच्छा है बिल्कुल, हंस रही हूँ, चहक रही हूँ और सोच रही हूँ कि जब मोहब्बत होती नहीं तो क्यों लगता है कि हो रही है। मोहब्बत हो गई थी ना उससे? अरे नहीं बेवकूफ, बिल्कुल नहीं, बस लग रहा था कि उसे हो गई है, और ये भी लग रहा था कि उसे देखकर मुझे भी हो जाएगी एक दिन। कम वक्त आकर निकाह रोक देता तो सची मुझे ही हो जाती। निकाह कैसे रोक देता, इतनी ताकत कहाँ है उसके अंदर? एक अकेला छरेरे बदन का लड़का इतने लोगों से कैसे लड़ सकता है? अपना तो बलि पैर तले रख के चीर डालेगा उसे। ताकत की बात मत करो, ताकत वाले मोहब्बत नहीं करते, हिम्मत वाले मोहब्बत करते हैं। चाहो तो पूछ लो, पुराना कोई भी आशिक पहलवान नहीं था, सब छरेरे बदन के नाजुक थे सब।
बस दिल दुखने से डर जाते थे, दुनिया से नहीं डरते थे। बजकर 2 मिनट हो गए। बस वो ब्यूटी पार्लर गया था तैयार होने, निकल रहा है वहां से। रुकिए, फोन आ रहा है उसका। अबे कहां रह गया तू? 8:30 बजे वहां से निकलेगा तो यहां किस वक्त पहुंचेगा? मैं वापस नहीं आ रहा, जुलेखा से शादी नहीं करूंगा मैं। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा, पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूँ। वो तो किसी यूसुफ नाम के लड़के से मोहब्बत करती है, शादी के बाद तो जलील करके रख देगी मुझे। रखता हूँ। इमरान मुकेश जिंदाबाद। लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो मुझ पर जान छिड़कता था, अचानक उसने इनकार क्यों कर दिया? अब बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, कमबख्त ने सबके सामने 2 टके का कर दिया मुझे। घबराओ मत, अब्बा ढूंढ रहे हैं उसको, वली के साथ निकले रिश्तेदारों की फौज लेके। अब नहीं मिलेगा, भाग गया है। अब तो मुझे भी डट कर बोलने की रीजन मिल गई है। इमरान मुकेश ने कहा कि ऐन वक्त पर इनकार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं भी डंके की चोट पर कहूंगी, इमरान मुकेश मुर्दाबाद। बस नहीं बेटा, ये ले, चुपचाप खाता रहे जब तक खिला रहा हूँ। बाद में शिकायत मत करना कि हमने तेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। सलूक तो अच्छा नहीं किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, ऐन निकाह वाले दिन किडनैप कर लिया है मुझे। अब देखना कौन कौन सी दफा लगेगी। गोली मार, गोली मार सर। क्या क्या बोला? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतनी सी बात पे भी कोई गोली मार दे क्या? आप रुक क्यों गए? सुनाए मुझे, जब तक कहेंगे खाऊंगा। शाबाश, ये ले। वैसे तुम्हारे पास दिन बहुत कम बचे। क्या मतलब? क्या मतलब ज्यादा दिन नहीं बचे? क्या होने क्या वाला है मुझे? तुम अभी तक जुलेखा के बारे में सोच रहे हो ना, उससे जबरदस्ती शादी का प्लान कर रहे हो हैं? ए भाई, अभी आप लोगों के सामने तो 2 बार इनकार किया है मैंने, मां सिट्टी गुम हो गई है उन लोगों की। दिल से इनकार नहीं किया तुम, और ये जो दफा वाली बात की थी, अपनी मौत को आवाज दी है। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। क्यों, हाथ खोलेंगे तो क्या कर लेगा? कान पकड़ के माफी मांगूंगा भाई, गैर इरादी तौर पे मुंह से निकल गया मेरे। कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ से जाती जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा। दफा तो पहले ही हो चुका हूँ, वहां मामू बंदूक ताने खड़े होंगे। इसका फैसला 10 दिन बाद होगा। किस बात का फैसला 10 दिन बाद होगा? यही कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। भाई आप लोग मारने की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? मैंने कह जो दिया, जुलेखा की जिंदगी से दफा हो जाऊंगा, तो खामखा मैं मामू और अम्मा के चक्कर में आ गया, वरना कौन पागल होगा जो जुलेखा जैसी लड़की से शादी करे। ओए, नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा है, तू बैठ जा, बैठ जा। ओए मुंह खोल, चुपचाप खा, मत खिला इसे। ये ले। मैं कलकान। कौन है? अननोन नंबर है। अच्छा मुझे दे, मैं बात। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। हेलो, यूसुफ बोल रहे हो? जी, आप कौन? जुलेखा। तुम सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ। कहाँ पे हो? दाजी के घर। दाजी मेरा दोस्त है ना। इमरान मुकेश को किडनैप क्यों किया तुमने? ये क्यों पूछ रही हो? तुम चुप करो। जी? कुछ पूछा है तुमसे? बताओ, इमरान मुकेश को किडनैप क्यों किया था? जी, मुझे लगा कि शादी रुकवाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शाबाश। जी? शाबाश दे रही हूँ। थैंक यू। अब क्या करोगे? आप बताइए, अब क्या करूँ?
नियत क्या है तुम्हारी? नियत? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? दादी को पता होगा। तुम्हें नहीं पता? खुद को नहीं पता होता। वैसे मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन जब इमरान मुकेश को किडनैप किया तो मुझे लगा ये कोई सवाब का काम कर रहा हूँ। मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे सर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हैरान हो गया हूँ ना, शायद ज्यादा हैरान हो गया। वक्त कम है हमारे पास। हमारे पास? मिलोगे या हैरान ही होते रहोगे? कब, कहाँ, कितने बजे? कल दोपहर 1 बजे उसी रेस्टोरेंट में जिसके बाहर तुम्हारे दोस्त ने इमरान मुकेश के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ नहीं, मुक्का मारा। ठीक है, मैं 1:15 बजे आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। बाय। तुझे पता है किसका फोन था? जुलेखा का। नहीं आया। आ गया। मोटरसाइकिल पे आया ना, इसलिए जाना था। बैठे। बस चाय ले आओ। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए भी, कुछ सैंडविच वगैरह। रात से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आया क्यों नहीं? ज्यादा खुश हूं तो कम खाता हूँ, बल्कि भूख ही नहीं लगती। मैं इनके सामने कुछ भी कह दूं? हाँ। मैं आपकी खातिर जान भी दे सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। गर्म चाय नहीं पीता, लेकिन आप चाहें तो गर्मा गर्म चाय मेरे सर पे डाल दें, हंसता रहूंगा। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोहब्बत में आदमी लगातार नॉर्मल रह नहीं सकता, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपको याद करता हूँ ना तो कुछ याद ही नहीं रहता। आपकी बात नहीं करेंगी तो अब तुम्हारी हालत कैसी है? नॉर्मल नहीं है, हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। कितनी कूलिंग है यहाँ पे, लेकिन एक्सक्यूज मी। इमरान मुकेश को होश नहीं आया अब तक। होश आएगा तो वो सब कुछ बता देगा। मालूम है फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम जेल चले जाओगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ दाजी भी जेल जाएगा। तुम्हें कोई परवाह नहीं? मैंने कहा ना, मैं लगातार नॉर्मल नहीं हूं। तुम अपने अम्मा बाबा को भेजो हमारे घर। अब्बा से रिश्ता मांगने। रिश्ता दे देंगे? कभी नहीं। हाजरा ठीक कह रही है, लेकिन रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। फॉर्मेलिटी के बाद? मतलब उसके बाद क्या करोगी तुम? बताओ तुम क्या करोगे? करना क्या है, कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं, कोर्ट में मैरिज नहीं होती, जिल्लत होती है। ठीक है, वो इनकार करेंगे तुम दोबारा रिश्ता मांग लेंगे? दोबारा रिश्ता मांगने की नौबत नहीं आएगी, कल परसों शायद कभी भी नहीं। संडे को इसकी शादी हो जाएगी। तुम शादी कर लोगी? कभी नहीं।
सर ने सर। अभी मुझसे प्यार करती हो ना? मुझे पता था आप ये सवाल सुन के बहुत हंसी हो। आप मुझसे यहाँ मिलने आ गई, ये भी कह दिया कि अपनी अम्मी अब्बा को भेज दो रिश्ता मांगने के लिए, फिर तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना? इस अंडरस्टूड? नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए अब तक तड़पी हूँ और ना ही तुम्हारे गम में रोई। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। कौन थे वो दोनों? नाम बताओ, कौन थे वो दोनों? क्या दिलचस्पी थी जुलेखा में उनकी? ये नहीं बताऊंगा। बता, बता, बता। आप लोग मार क्यों रहे हो मुझको? पहले वो लोग पीट रहे थे, अब आप लोग मार रहे हो। मैंने कह दिया ना, मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। एक मिनट, ठीक, जुलेखा से शादी नहीं करेगा, मत कर, मगर ये बता कि उन दोनों का नाम क्या है, कौन थे वो लोग? मुझे क्या पता कौन लोग थे, होंगे कोई। झूठ मत बोल इमरान मुखीस, तू झूठ बोल रहा है। तूने अभी कहा है कि तू नहीं बताएगा। अब उन दोनों की मुझे नहीं थी। नाम चाहिए मुझे, नाम बता, नाम, नाम बता। अरे तुम क्यों पीट रहे हो इसे? बता तो रहे मुझे नहीं थी उनकी। आप चुप रहिए, आपा सुनने नहीं है क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है ये। नाम बता। देखे आपा, ये जानता है और हमसे छुपा रहा है, और या फिर ये झूठ बोल रहा है, ये अगवा हुआ ही नहीं। अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे सर की कसम में अगवा हुआ था। दो दिन तक कुर्सी पर बैठा रहा मैं, जुलेखा का नाम सुनते थे और थप्पड़ मारते थे वो लोग मुझे, बस खाना ढुसाए जा रहे थे। लेकिन जब मैंने कसम खा ली ना कि जुलेखा से शादी नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से पेश आए मेरे साथ। पता है क्या, दिल के इतने बुरे नहीं है वो लोग। नाम बता। अरे तू नाम बता, नहीं बताएगा ना तो मैं छत पे से कूद मरूंगी। अरे अम्मा नहीं। बता मुझे नाम बता। ले मैं जा रही हूं छत पे, जा रही हूं मैं। यूसुफ, दूसरे का नाम दाजी है। वही दोनों थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं ऐसा ऑमलेट तेरी जुलेखा भी नहीं बनाएगी तेरे लिए। खा ले। एक बात सच बता। हाँ। तेरे जैसे और भी दोस्त होते हैं क्या? मतलब मैं अगर चाहूं कि तेरी तरह के दो दोस्त और मिल जाएं तो मिल जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना? हाँ। अपनी किस्मत पे खुश भी हूं। तेरे फोन बज रहा है। जुलेखा। हेलो, यूसुफ बोल रहे हो ना? हाँ। कहाँ इस वक्त? दाजी के घर। मतलब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? डर क्या हुआ? निकलो वहां से, अब्बा इमरान मुगीस को लेकर थाने पहुंच गए। बड़ा ही कमीना, यहां से कसम खा के गया था कि उसकी कसम को गोली मारो। तुम लोग वहां से निकलो, पुलिस आने वाली है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन निकल के जाएंगे कहां? कहीं भी जाओ, कराची में मत रहो, वरना वो मार मार कर तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। अब्बा बड़ी सिफारिशें लेकर गए इस दफा। आप तड़प रही हो ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आप ना तड़पी हो ना मेरे गम में रोई हो। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। ये ऐसी तरह की बातें करने का वक्त है? मैं आपको तड़पाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेकिन एक बार आप तड़पोगी, एक बार मेरे गम में रोगी, तो मैं हंस हंस के पुलिस की मार खा लूंगा। क्यों सर, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं जान दे भी दूंगा। किशोर कैसे? पुलिस आ गई। दाजी, तो मेरा जिगरी दोस्त है ना यार। हाँ, कोई शक? तो इस दरवाजे से निकल जा, तुझे मेरे सर की कसम। अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं पुलिस की मार से तो बच जाऊंगा, लेकिन शर्म से मर जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल जा यार, मेरे सर की कसम दी है तुझे, जा। बहुत कमीना है।
क्या हुआ? वो सबको पुलिस ने पकड़ लिया। चाय पी ले, चाय तो पी ले। पहले कभी हवालात किया? एक बार। किस केस में? इसी केस में। मतलब पहले भी उसे ही अगवा किया था? दाजी ने मुक्का मारा था और उन्होंने रिपोर्ट कराई थी कि जान से मारने की कोशिश की है। पैसे वाले लोग हैं ना? सिर्फ पैसे वाले, जर्फ वाले नहीं। जर्फ वाले मतलब? जर्फ मतलब तुम नहीं समझोगे। घर छोड़। ये बता, ये मोहब्बत क्या होती है? सिर्फ लौंडिया को फंसाना ही मोहब्बत है ना? क्यों, कर दिया ना लाजवाब? नहीं, मैं बताता हूं तुझे, तेरे हिसाब से जवाब देता हूं। किसी के लिए झूठी FIR पे हवालात काटना, तुझ जैसे आदमी से मार खाना, उसके साथ बैठ के नाश्ता करना और उसकी बकवास सुनना, इसे कहते हैं मोहब्बत। मार, मार! जब ये प्लेट मेरे सर पे टूटेगी और मैं जख्म खा के भी मुस्कुराऊंगा और तू जख्म दे दे के भी तड़पेगा, तब पता चलेगा तुझे कि मोहब्बत क्या होती है। देखा, कर दिया ना लाजवाब? जुलेखा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसके लिए तो जेल जाएगा, कितनी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अहमद। यूसुफ के मम्मी पापा हैं और ये मेरी अम्मी। वाह, आ गया मेरा बेटा। ये जमानत कैसे हो गई? और इमरान मुगीस मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? बेटा घर चलते हैं, आराम से पैक कर बात। नहीं अब्बा, बात यही है, आपको कसम है, मुझे बताइए कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है? वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? जिद ना करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना, घर चलकर आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए किस बुनियाद पर हुआ यह सुलहनामा? उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। किसने? दुलेखा। कुर्बानी में क्या किया उसने? उसने कल इमरान मुगीस से अपना निकाह पढ़वा लिया है, सिर्फ एक शर्त पर, वो तुम्हें आज रिहा कर। दाजी, इसे ले आओ और इसे बताओ कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। रिहा हो गया? कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था, निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की नीब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर ये हुआ, अब्बा जीत गए, बेटियां हार गई।
तो मेरी बात लिख के रख लो, 2015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही हो? मनहूस। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन करके डांट दिया था तो उसने गुस्से में आकर शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों करेगी वो शादी? तो यूसुफ की रिहाई की वजह से उसने किया, कुर्बानी दी उसने। नहीं दाजी, लड़कियों को नहीं जानते, मुझे इसके लिए डट जाती है, उसके लिए टूट भी जाती है, बस कोई तोड़ने वाला चाहिए। हेलो जुलेखा। हाँ। तुम्हारा फोन हाजरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो, बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस, उनसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ हैं? मामू। तुम्हारे मामू? यहीं है, बैठे हैं अम्मी के साथ। वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसा कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। एक घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, फला का मुकदमा होगा। क्या कि क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, एक घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये चला। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहां पर? हैं? तमीज नहीं है तुम्हें? कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। प्लीज, अगर आप एक घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा। अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही है क्या? बकवास कर रहा है, सुन रही क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, पुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है एक घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, पुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती है बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी, लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बोलो क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की, मैं तुम्हारी पुप्पो बोल रही हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है पुप्पो, एक घंटे का टाइम दिया था, उन्हें रवाना कीजिए वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं। और ये भी कहिएगा बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे, एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं है। देखिए 5 मिनट और गुजर गए, अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। एक घंटा पूरा हो गया तो ऊपर एक मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या क्या कह रही है? बताती हूँ तुम्हें, 18, 17,
16 अब्बा जुलेखा मैं यहाँ हूँ अब्बा और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे सुबह से गए हुए थे आप वली का भी कुछ पता नहीं 9 बज रहे हैं अब्बा और क्या कहा आगे बोलो कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है और मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गए तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर बाकी सब कहा कौसर नहीं कहा बदतमीज पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे आप आके तो बात खत्म हो गई कहिए तो माफी मांग लेती हूँ माफी मांग अभी इसी वक्त माफी मांग कहो कि फूफा मुझसे गलती हुई मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूं बात करो बात करो हाँ नूर मोहम्मद सुलेखा बोल रही हूँ पुप्पो हाँ बोलो सॉरी पुप्पो जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही अच्छा तो होश ठिकाने आ गए अब जी हाँ अब्बा ने बहुत मारा है मुझे हेलो एक दिन की दुल्हन को पीट दिया ताल में कुछ काला है पुप्पो पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना जी हाँ सामने खड़े और सुन भी रहे उनके सामने कहती हूँ मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे क्या धमकी दे रही हूँ पुप्पो अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है फोन रख रही है पुप्पो अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है जान दे लूंगा तेरी कमबख्त बस कीजिए मौलवी साहब थप्पड़ मारने जान लेने या जबान खींचने से कुछ नहीं होगा जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए वाह मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई उसे आग से डरा रहे हैं अच्छा बताइए जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बुशरा से शादी करूंगा ये तो होना ही था 20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है तो वो कमीनी बुशरा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब मुझे शादी करके दिखाइएगा तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम सुनिए अब्बा शादी करके दिखाइएगा फिर मैं इमरान मुगी से तलाक लेकर दिखाऊंगी जबान को लगाम से खरीद के हारू मोहम्मद वरना चीर के रख दूंगी कितने पैसे लेंगे आप 5 लाख दे दो लेकिन आपको अपने साथ लेडीज पुलिस भी लेकर जाना हो उसका 1 लाख अलग से होगा इस वक्त सो रही होंगी कमबख्त जागने का 1 लाख लेंगी वो भी दे दो बात समझ में आई नहीं शेख साहब आप बेटी के बाप हैं 6 लाख देकर चाहते हैं कि रातों रात रुख्सती हो जाए बात समझने के कितने पैसे लें जो होना होगा देखा जाएगा इसी तरह की गलती मैंने भी की थी फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझसे ही देखा नहीं गया बस दरवाजे पर दस्तक होने की देर तो तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा सुलेखा कौन मैंने पूछा कौन है मैं हूं अम्मा
वली अरे जल्दी जाओ ना। टोनी भाई मुझे भागना है, घर में पुलिस आ गई है। आ जाओ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं आप? सब खैरियत तो है ना? नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम जुलक है ना? हाँ। चलो बेटा तैयार हो जाओ, माँ की दुआएं लो, तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया है। ये मेरी रुखसती लेने आए हो, दुआ दे दीजिएगा। जा रही सावन आया तू आवे ते पहला पवा तू आवे ते कौन? ये यूसुफ का घर है ना? हाँ यूसुफ, मैं टोनी। फिर टोनी तू सो? यार यूसुफ मेरे साथ कोई आया। इंस्पेक्टर साहबा, बस अब आपका काम खत्म, चलो अंदर। अरे आओ 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 मेरी लाडली, तुम खैर से अपने घर आ गई हो, बैठो। जरा देखो मेरे इमरान मुगीस की किस्मत, बारात और वली में सब धरे के धरे रह गए, न ढोलक बजी न मेहंदी हुई और दुल्हन मेरे घर के आंगन में आके बैठ गई। ये मुंह पे चादर क्यों तान रखी है?
जरा देखूं तो सही दुल्हन को बदतमीजी के बाद भी रूप चढ़ता है कि नहीं। हाजरा बेटा, तुम्हें निकाह के तकद्दस का ख्याल रखना चाहिए था। कोई मुझे कुरान पर हाथ रखकर बताए क्या मेरा निकाह हुआ है? क्या होता है निकाह का तकद्दस? कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल ऐसे मर्द के पास गिरवी रखवा दूं जिसको मैं पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बा को एक पल की खुशी मिल जाएगी? सच बताइए, क्या मेरे 50 साल मेरे अब्बा के एक पल की खुशी से भी कम तर? अंदर आओ। मैं जाऊं? हाँ, मैं थोड़ी देर में फोन कर दूंगी तो आकर ले जाऊंगी। चलो ठीक। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम शायद मुझे फोन करोगी। फोन तो मैंने ऑन ही नहीं किया, सिम निकाल के रख दी है। वो कहते हैं ना कि फोन ट्रेस हो जाता है, फिर उन्हें पता ना चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। उन्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? सुलेखा घर से भागकर कहाँ जाएगी? जाहिर है यूसुफ के पास। आप लोग सुलेखा कहाँ है? देखें, आप लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पीछे तीरा तोड़ कमीने की। मैं घर नहीं जाऊंगी अब्बा। अगर आप अपनी बेटी को ले जाने के लिए गुंडे लेकर आए हैं तो मुझे लगेगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याह नहीं बल्कि बेच दिया। हाथ डाल कमीनी को गाड़ी में। अब्बा से बदतमीजी करेंगे? चल चल के चल। चोर मिले मैं तेरी जान से मार दूंगी। चले जा तुम सब यहाँ से। चलो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाजरा बात कर रही हूँ। मदिया। हाँ हाजरा। सुलेखा से बात करा दो। उससे बात नहीं हो सकती, तो चली गई। अरे चली भी गई? वैसे यूसुफ भाई की बातों से लग रहा था कि आके ले जाएंगे उसे। तुम्हारे भाई और अब्बू उसको लेकर चले गए। पियो, ये तुम्हारा ही कमरा है? ये सहरे के फूल, ये फूलों की लड़ियां, सब तुम्हें वेलकम बोल रहे हैं। रसा शर्माओ, सुहाग रात है तुम्हारी। उफो मुझे जाने दे वरना बहुत खून खराब हो जाएगा। वो तो होगा, हो सकता है तेरा खून बहे या तेरे यार का जनाजा निकले। खून खराबा तो होगा बेटे। माही माही विरद करा मैं गलियां च होड़ते तू नहीं सुधरेगा है? मारो भाई। निकलो यहाँ से, तमीना के गली के कुत्ते। अम्मा निकलो, अम्मा यहाँ से, अम्मा निकलो, दबाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर रात के 2 बजे थे या शायद 2:30 बजे होंगे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 100% यकीन था मुझे कि इमरान वगैरह से होगा। मैं हिम्मत बांध कर पूछा कौन, तब कमबख्त ने अकड़ कर जवाब दिया मैं हूं।
इमरान मुगीस। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो, मेरा कमरा है और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ डायमंड की है। फिर तो असली डायमंड होगा। तुम क्या हो, पीतल या पत्थर? मेरे हाथ पांव जंजीरों में बांधकर सुहागरात मनाओगे? अरे नहीं, जंजीरें कल खुल जाएंगी। अम्मी ने कहा है बस आज की रात। आज की रात? व्यापारी कहीं के इज्जत बेचकर इज्जत खरीद रहे हो क्या? मेरे बदले मेरे अब्बा को तुमने अपनी फुप्पो बेच दी। अरे नहीं, फुप्पो और मामू की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। मामू तुम्हारी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं थे? तुम दोनों माँ बेटे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब बस भी करो, जरा अपनी तरफ भी देख लो। दो बार भाग के गई हो उसके पीछे, घर तो तुमने बर्बाद किया है। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई? घर से भागी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? अम्मी जी का हुक्म है। लानत ऐसे हुक्म पर, लानत तुम जैसे बेटे पर। खुदा के बंदे, बस अपनी एक माँ को खुश करने के लिए तीन तीन जिंदगियां बर्बाद करोगे? तो की आंख में चलोगे तुम? मुझे डराओ मत, मैं भी डरने वाला नहीं हूं। डरना तो पड़ेगा इमरान मुगीस। दिलों के टूटने पर अना के महल बनाओगे तो नस्लों को मार डालोगे। जानती हो मेरे माँ का कसूर क्या? एक बार उन्होंने तुम्हारी अम्मी के झूठ कहने पर कहा था कि आप झूठ बहुत बोलती हो, और एक बार उनके बारे में कहा था कि छोटे कद की और ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसी दिन तुम्हारी अम्मी ने ठान लिया था कि आप यहाँ का घर बर्बाद कर डालेंगी। और मेरे अब्बा, वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए, झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरजू खारिज करती है तो पहली से खफा रहने का ढोंग रचाते हैं इमरान मुगीस। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हके खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूं। तुम्हें पसंद नहीं हो? तुम बुरे नहीं हो इमरान मुगीस, बस अच्छा लगने का जवाब खो दिया तुमने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो तो मुझे भी मोहब्बत करने का हक दो। ये हक मेरे पास क्यों नहीं है? तलाक दे दूं तुम्हें? मुझे वक्त दे दो, बस उतनी देर तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं। वरना याद रखना इमरान मुगीस, जिस्म के सौदों पर जब दिल साथ नहीं होता तो पूरा सौदा घाटे का होता है। आज की रात यहां सो जाऊं मैं? बस यहीं जमीन पे बिस्तर डाल लूंगा। वो हाथ पकड़ के तुमने यहाँ छोड़ गया? हाँ, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। मर जाए तेरी माँ, जहर हो जाए ये निवाले। कमबख्त, आफिया की बेटी से जिल्लत दिलवाई ना हमें। गालियां बक के गई है मुझे और तेरी बहन को। नहीं बस कर दे, भाई की बेटी है वो आपके, फुप्पो है आप उसकी,
एक जरा सी बात पे औरतों की इतनी लंबी लड़ाई, जरा ये तो देख ले इस लड़ाई में कौन कौन बर्बाद हो गया। मोमानी जान ने आपको बस इतना कहा था ना कि नूर मोहम्मद की आपा छोटे कद की है, देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, पर आपने क्या किया, अपने अंदर की सारी खूबसूरती को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसने कहा था डाइन है, ये शौहर को खा गई। उस वक्त कहा था जब आप मामू जान और बुशरा फुप्पो का निकाह रचाने के चक्कर में थी। आज उसके पास बैठ के आया है ना, पहली मुलाकात में वकील बन गया उसका। सुलेखा को दरवाजे पे छोड़ के आया हूं मैं, हाजरा मिली थी तो उसने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूं तलाक दे उसे, दिन चढ़ते ही सूरज उठा के मार मां बेटी के सर पे। तलाक दूंगा तो खुश हो जाएगी वो, अगर ये तो सोचे कि मेरा क्या होगा। तेरे लिए लड़कियों की कमी है, एक छोड़ 10 मिल जाएंगी। नहीं मिलती ना, माए अपने गुरूर में समझती हैं, एक छोड़ो 10 मिलेंगी। और बेटा, बेटा तो एक ही लड़की पे कुर्बान हो जाता है। जा खाना दे उसे। बुशरा, बुशरा सब कुछ गड़बड़ हो गया है। बुशरा बुशरा मैं लुट गया हूं, बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए हैं और मेरी जेब में 6,000 रुपए। अच्छा लो ये पानी पी। अरे नहीं पीना है मुझे पानी वानी। हुआ क्या है बैंक में? बता रहा हूं ना, बैंक से पैसे निकल गए। अरे क्या बात करते हो, जब तक कोई पैसे निकलवाएगा नहीं तो बैंक से कैसे पैसे निकलेंगे? बैंक हुए कोई कुर्ते की जेब तो नहीं? वही ना, वली वली ने मेरे जाली साइन किए, 1,90,00,000 रुपया निकलवा लिया उसने बैंक से। कहां गया? पकड़ो उसे। कहां पकड़ूं? उसका नंबर बंद जा रहा है। जा मिला होगा अपनी मां से और क्या। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा ना, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा बेटा मेरा वली ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, वो ये कैसे सोच सकता है कि उसका बाप सड़क पे आ जाए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मम्मी, वली। हाँ वली मेरे लाडले, कैसे हो, कहाँ हो? दुबई में हूँ मम्मी, दुबई में। दुबई में? वहां कैसे चले गए, क्यों चले गए? शर्म के मारे यहाँ आ गया। उस दिन आपने जिस तरह तड़प कर थप्पड़ मार दिया था, जी में आया कि डूब कर मर जाऊं। मारा नहीं गया इसलिए यहाँ आ गया। अब्बा का शोरूम बेच दिया मैंने, बैंक से पैसे भी निकलवा लिए, अब एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। अरे बदबख्त, ये क्यों किया तुमने? सोचा अब्बा ने सारी जिंदगी आप लोगों को आजमाया है, अब मैं उनको आजमाऊंगा। पैसे ना हो तो मर्द पैसा कमाने की सोच में लग जाते, इश्क बदल जाते हैं। और अगर अब्बा का इश्क सच्चा है ना तो उनसे कहिएगा इश्क को पैसों की जरूरत नहीं होती। या अल्लाह, सिर्फ 60-70 हजार खर्च किए, बाकी सारे बैंक में रख दिए, समझिएगा आपकी अमानत है मेरे पास। कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, जो कुछ कमाऊंगा आपको भेजूंगा, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वली मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। वली वली, हेलो। हेलो, ये कमाई भी लुट गई, तुम तो बर्बाद हो गए नूर मोहम्मद, इश्क रास नहीं आया तुम्हें। मैं नूर मोहम्मद, कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़ें, वैसे भी ताजा ताजा पढ़कर आए हैं। आफिया साफ साफ बताओ वली कहां है, कहां छुपा के रखा है उसे। वली
वो कमीना बाप का बच्चा आपके पीछे पीछे दुमिला कर चलने वाला, तो आप बताएं ना कहाँ है वो? उस दिन मारपीट कर उसे घर से निकाला था तो पलट कर वापिस ही नहीं आया। उसे समझाएं कि मैं माँ हूं उसकी, चाहूं तो मार सकती हूं उसे। मकर कर रही हो मेरे साथ? मकर? अरे नहीं नूर मोहम्मद साहब, उस फन में तो आपको यकताई हासिल है। बेटियों के सामने अपनी जबान को लगाम दो, काबू में रखो इसे। और तुम बताओ सुलेखा कहां है वली? दुबई। क्या दुबई? और पैसे कहां हैं? पैसे वो तो अब आप देते ही नहीं है। मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूं। मेरा बैंक अकाउंट, मेरा शोरूम, सब कुछ लूट के ले गया है वाली। हेलो, दोनों बाप बेटा चोर निकले, एक ने हमें लूट लिया और एक आपको लूट कर चल दिया। आज फोन आया था उसका, कह रहा था कि दुबई पहुंच गया हूं, अब्बा के पैसे भी निकाल लिए। मैंने भी सोचा कि अब आपको जरूरत तो है नहीं पैसों की, आपके लिए तो मोहब्बत काफी है। तो बताइए ना, हमारी बुशरा कैसी है? तो बात को बहुत इजी ले रही हूं। मुझे इतना इजी मत लो, अगर मेरा पैसा वापस ना मिला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सबको मतलब? मुझे, जुलेखा और हाजरा को? हाँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर इसमें कोई शामिल होगा तो उसे हवालात जाना पड़ेगा। तो फिर हवालात में मुलाकात होगी, और वहां ना हुई तो कोर्ट कचहरी में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब, आपको आपकी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आफिया नहीं। चलो लड़कियों, सामान बांधो, सिर्फ पहनने के चार कपड़े रख लेना, इजाफी सामान चोरी के माल में लिखा जाएगा। आपके दिए हुए सारे जेवरात रसीदों समेत अलहदा करके रख दिए हैं, अलमारी में पड़े हैं, जो मेरे अब्बा ने मुझे दिए थे सिर्फ वही लेकर जा रही। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो बोलो शादी करोगी या सिर्फ मोहब्बत करने का ढोंगी करती रहोगी? मैं हाँ बोलूं तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ। मोहब्बत नहीं करोगे? कोई इस तरह आता है भला पैगाम लेकर? आंखों में गुस्सा, बातों में थकन और लहजे में नाराजगी। किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? कहा किसी ने? तुमने सोचा मैं भी एक चॉइस हो सकती हूँ, एक हारे हुए आदमी की चॉइस? बदला लेना है क्या उससे? नहीं, सिला देना है। तुमने मुझसे मोहब्बत की तो समझो इज्जत दी है मुझे, मैं प्यार को जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि तुम पे क्या बीती होगी। इस तरह प्यार किया मुझे तो खराब हो जाएगा, सब लोग प्यार करते रहे और मिल नहीं पाए तो बहुत से लोग तो डर के प्यार ही नहीं करेंगे, और इस तरह तो नफरतों के हौसले भी बढ़ जाएंगे। चलो मैं तैयार हूं, शादी कर लो मुझसे। हंस क्यों रही हो? मैं सच कह रहा हूं, शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा तुमसे, जो हुआ सब कुछ भूल जाएगा, फिर उसका नाम लेके मजाक उड़ा लिया कर। लग रहा है जैसे ठान कर आए हो। मैं तो ये मान के आया हूं कि पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो दूसरी कर लूं,
सब यही करते हैं, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से। पहली बार जब मुझे लगा वो अपने गम की दवा ढूंढने मेरे पास आएगा तो अच्छा लगा था मुझे। मैं उसको जानती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ उसे, तो मुझे ये लगा कि सुलेखा की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, मगर अब नहीं लगता। क्यों? अब क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है लड़कों की कमी पूरी करने के लिए हम लड़कियों ने लड़की जात की इज्जत गवा दी है। अगर मैंने सुलेखा की कमी पूरी कर दी तो लोग समझेंगे मोहब्बत फीलिंग नहीं है, बीमारी। मोहब्बत में नाकाम होने वाला हर लड़का एक नई लड़की का कोर्स करेगा और शिफायाब हो जाएगा। शादी हो गई उसकी? नहीं। क्यों? मैंने तो सुना था कि वो मदिया के लिए मान गया है। मदिया नहीं मानी, शादी के लिए उसने इतनी कड़ी शर्त रखी कि वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। लड़के की पहली मोहब्बत के बारे में पता हो तो लड़कियां जरा इनसिक्योर हो जाती हैं। उसने कोई सिक्योरिटी मांग ली होगी। मदिया कहती है कि उसके निकाह के वक्त जुलेखा उसके बराबर में बैठे तो वो कबूल है कहेगी। अरे ये तो बड़ी अजीब फरमाइश है। क्यों अजीब क्यों है? जब इसने कुर्बानी का फैसला कर ही लिया है तो कुर्बानी छुपके हो या सरेआम उससे क्या फर्क पड़ता है। और आई प्रॉमिस अगर वो मदिया की ये फरमाइश पूरी करती है तो ये जानते हुए कि वो एक लड़की है मैं उसे वजीह अहमद ही पुकारूंगा। बुलाओ उसे। नींद भी आए तो सोना मत, जागती रहना। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। मदीहा की शादी होने वाली है उससे, और तुमने बड़े मजे से कह दिया कि निकाह के वक्त तुम मदिया के बराबर में बैठोगी। तो उस वक्त कबूल है कि आवाज सूर फूकने के बराबर होगी, धज्जियां बिखर जाएंगी तुम्हारी। तो फिर चलना ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत भी देख लेना और वहां तमाशा भी। वो तो मैं जाऊंगी और अपनी आंखों से तुम्हारा हाल देखूंगी। तुम्हारे मरने के बाद लोगों को बताया करूंगी कि यूसुफ के मुंह से कबूल है सुनने की गलती की थी इसने। सुनते ही दम निकल गया। नहीं, मुझे सुनकर खुशी होगी, बल्कि लगेगा कि हकदार को उसका हक मिल गया, खुदा भी खुश होगा। मौलवियों की तरह अपने दिल को तसल्ली मत दो, अजाब और सवाब के चक्कर में दीन दुनिया दोनों से जाओगे। कहते हैं खुदा अपने गुनाहगारों को माफ कर देता है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करती। मदिहा करती है ना उसे मोहब्बत, मर जाएगी उसके बगैर। मोहब्बत में मरना अच्छा है जुलेखा, तुम्हारी तरह जीना बहुत बुरा है। तो फिर तुम चल रही हो ना साथ? कहाँ ना जाऊंगी। तो फिर ये बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं? ये तो तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें तो हम सफेद लट्ठे का कफन पहनाएंगे, और मजे की बात यह है कि तुम्हारी मैयत पर ना मैं रहूंगी ना अम्मी। कोई मरने का सबब पूछेगा तो कहेंगे खुदकुशी की है तुमने। पता है तुम क्या कर रही हो? वही जो वजीह अहमद ने आफिया बतूल के साथ किया था। चलो अब सोकर दिखाओ, एक घंटे बाद फिर चेक करूंगी। उस घर में तुम्हें कैसे लेके जाऊं? वो घर मेरा है ही नहीं अब, वो बैंक ने कुर्की कर लिया है। ना तो तुम्हारे पास घर है ना तुम्हारी जेब में पैसा। हाँ, ऊंची आवाज में बात करना बनता नहीं है। चलो जाओ यहां से, जब ये चीजें आ जाए ना तुम्हारे पास फिर आना मेरे पास। तमीज से बात कर बुशरा। अच्छा,
तुमने तो तमीज में पीएचडी की हुई है ना, मुझे तमीज सिखाओगे? ये दिखा दू तुम्हें, निकलो यहां से। आया है मुझे तमीज सिखाए, जाओ। राजी मौलवी साहब को ले। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाल जी। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायद लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। वाइफ बाद में लिखा लीजिएगा मामला। निका पड़ जाइए, बहुत भूख लगती है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर लें, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाह। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक मेहर। दाजी क्या हक मेहर होगा? हक मेहर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तीन दफा आपसे पूछूंगा। मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल। मुसम्मात मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको बाइवज शरई हक मेहर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे तीन दफा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है। मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद मुसम्मात मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद बाइवज हक मेहर शरई आपके निकाह में दिया जाता है,
क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंजुआ गिन गिन रात सजाई, पर तेरी कोई खबर न आई। दिल डरदा होके परदा, मोड़ आ जा तेरे ले करदा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कॉल दिल नु समझा, तू मेरा नहीं। हेलो, हाँ कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में। कुर्बानी देने से पहले ही तुम्हारा दम निकल गया, मरते मरते बची हो तुम। कहाँ है सुलेखा? सुलेखा नहीं था बेटा। निकाह शुरू करें बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। मुसम्मात जुलेखा नूर मोहम्मद, दुख्तर नूर मोहम्मद, आपको बाईवज हक मेहर शरई यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? बोलो जुलेखा, कबूल है, बोलो। मैं यूसुफ के सर की कसम। बोलो बेटा, कबूल है? तू मिला है तो मिल गया है खुशबू का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दिल ते मेरा कमला होया, जन केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ये मेरा ही है, खुद नू रोम रोम खाली है मेरे साथ।